देखो आ जाओ, देखो ध्यान से समझो, यो उत्तराखंड की हिस्ट्री का हमारा लास्ट चैप्टर है, याद रखना बात है। लास्ट चैप्टर मतलब लास्ट, मतलब उत्तराखंड बनने वाला आज, आज बड़े प्यार के साथ उत्तराखंड बनने वाला और आराम से बन ही जाएगा उत्तराखंड आज, किसी भी हालत में आज उत्तराखंड बना के छोड़ देंगे। बहुत संघर्ष टाइम लगने वाला आज ये क्लास में, बड़े लोगों की क्लास में से लंबी होगी, अच्छे जो टीचर होंगे उनकी क्लास लंबी होगी होगी तय है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। उसमें विश्लेषणात्मक समझा मजबूत हो, केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रट का काम नहीं चलता, फैक्ट का जमाना चले गया, फैक्ट कुछ ही दिन काम कर, समझना ही बात या तो जरूरी हो, चीज़ों को समझना और विश्लेषण करना। और जिस तरह मैं समझाऊंगा ऐसा ही नहीं कहीं भी, यूट्यूब पर जाकर वीडियो सर्च करो मिलने का ही नहीं। मैं कहता हूँ पूरा का पूरा एक पेज में ले आओ समेट का, 10 पेज इकट्ठे ना करो, बकवासबाजी लिखो ही मत बिल्कुल भी, बाकी जो लिखने का वो समझ लो ना अच्छी तरह। तुम यहाँ क्या क्या बैठे, तुम दिमाग लेकर पैदा हुए नहीं हुए तो समझो, अमेजिंग समझ में आ रहा ना तो समझो ठीक, नहीं तो मैं सीधा लगा दूँ छोड़ दो पढ़ाई। फिर मेरी जिंदगी का सिंपल सिद्धांत, आने वाले को रोको मत और जाने वाले को टोको मत, समझ में आई बात है? क्या कहा? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या ताली बजाएंगे बार बार ठीक। उसके बाद उत्तराखंड सुन लो, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन इसमें कैसे लिखा हुआ, इस तरह सारा का सारा जो डायग्राम हो पूरा का पूरा ऐसा नोट्स बनना चाहिए, समझ गए? कहाँ से मांग उठनी स्टार्ट हुई, कब उत्तराखंड के लोग जागरूक होना स्टार्ट हुए, क्या कहानी थी? तो पहले मैं एक छोटा छोटा डायग्राम इस ग्राफ के जरिए चलूंगा, मैं ग्राफ के जरिए, मैथमेटिक्स में खूबी हो उसमें चीज़ों को आसान भाषा में समझा जा सके, मैथमेटिक्स में खूबी हो उसमें चीज़ों को आसान भाषा में समझा जा सके, एक ही चीज़ को कई तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सके, ये मैथमेटिक्स में खूबी हो, हर सब्जेक्ट की अपनी एक खूबी हो। इसी तरह हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को पृथक राज्य आंदोलन को मैथमेटिक्स का प्रयोग करके उसे समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का थोड़ा फिजिक्स वाले डायग्राम को यूज करके ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा होगा चीज़ें आसान हो जाती है, समझने की बात किया। फिर ऐसे नहीं रहता कि बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन बाकी चीज़ें सारी समझने की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी 10 या 15 लाइन ऐसी होगी जो तुम्हें याद करने की, भाई तुम्हारे पेपर में बार बार घूम फिर कर आगे, और फैक्ट याद करने की एक सीमा हो, जब तक तुम उसे फिल्टर नहीं करेंगे ना एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी भी नहीं आने के, लेकिन पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए वो ज़्यादा काम की हो, फिर तुम गेस भी करोगे ना, सोचोगे ऐसा ऐसा करके टिक मारोगे तो वो भी तब भी सही चला जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो विश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, आज की क्लास में हम विश्लेषणात्मक क्षमता मजबूत करेंगे तुम्हारी, समझ गए? चलो आ जाओ समझ लो बहुत अच्छे तरीके से, क्या है यहाँ इस पूरे एरिया पर, यहाँ साइड में घटनाएं लिखी है सारी की सारी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी याद हो जाएगी तुम्हारे, आज में सारी सुनूंगा तुमसे। दूसरा इस पर यहाँ कालक्रम लिखा हुआ, कालक्रम का मतलब कौन कौन से समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई, यो समय यहाँ से लेकर वहां तक वो समय जब हमारे पास उत्तराखंड में यहाँ अंग्रेजी सत्ता का शासन था या ब्रिटिश काल था, यहाँ से ब्रिटिश काल कह दो, औपनिवेशिक सत्ता का शासन कह दो, अंग्रेजी शासन कह दो, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था हमारे यहाँ से आकर, समझ नहीं बात यार, अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया था और गोरखों को भगाया था, बेटा भागो यहाँ से, तुम गोरखों को भगाया था, जाओ जाओ तुम अपने देश से वापस जाओ। फिर उन्होंने संधि कर ली थी सुंगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को। उसके बाद क्या हुआ, उस ब्रिटिश काल में भी क्या क्या भाई जी उत्तराखंड के लिए लोगों ने उत्तराखंड बनाने की कोई मांग उठाई क्या, पहले थे उत्तराखंड बना रहा था या फिर उत्तरांचल बनाने की मांग चल रही थी, उत्तरांचल को हो या उत्तराखंड को, क्या लोगों के लोग इतने जागरूक थे किसी जमाने में, बिल्कुल शुरू से बात करेंगे अच्छी तरीके से, यहाँ हम वो बात करेंगे। दूसरा फेज हम जब पढ़ने वाले होंगे आज तो ये समझ जाएंगे आजादी के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद किसके बाद, आजादी के बाद, आजादी के बाद स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, 1945 से लेकर 1960 के बीच में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, उत्तराखंड के लोगों ने कितनी डिमांड उठाई, कौन कौन था जो डिमांड कर रहा था यहां से लेकर यहां तक, और बहुत सामान्य तरीके से हम अपनी बात रख रहे थे क्योंकि वो फेज था, आजादी भी होना चाह रहे थे और उत्तराखंड को अलग राज्य भी बनाना चाह रहे थे। तो संवैधानिक तौर पर एक कागज पर लिख कर लेके जाएंगे, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े नेताओं के सामने लिख कर लेके जाएंगे, चलो भाई एक काम करो यार उत्तराखंड बना दो प्लीज, यार बना दो उत्तराखंड, उसने कहा भागो यहाँ तो उत्तराखंड तो कुछ नहीं है उत्तराखंड, उत्तराखंड एकदम तुरंत ये कागज पर लिख के लेके जाते थे यहाँ के उत्तराखंड के जो बड़े बड़े नेता, यहाँ के बड़े बड़े अच्छे नेता थे जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गए, गोविंद बल्लभ पंत को भी संपर्क पक्ष में रहे नहीं, हर गोविंद पंत हो गए, पीसी जोशी हो गए, ठीक बहुत बड़े बड़े नेता थे, ठीक ठाक नेता यहाँ के उत्तराखंड के लोकल स्थानीय नेता थे, मानवेंद्र साहा हो गए, ये क्या करते थे कागज पर लिख कर लेकर जाते थे, इनकी मांग ठुकरा दी जाती थी, यानी बस काफी समय तक, अभी आंदोलन उग्री नहीं हुआ उत्तराखंड के लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने वाला अभी नहीं, समझ में आई बात है। लेकिन अभी तो हम जो कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, अच्छा जो भी कोई क्रांति हो वो धीरे धीरे सफल होगी या एकदम सफल हो जाएगी, धीरे धीरे सफल होगी, कोई भी जब विचारधारा जनरेट हो ना उस विचारधारा को जनरेट होने में 50-60 साल आराम से लग जाए, पहले जब तक सूचना क्रांति का युग नहीं आता ना हमारे पास, आज तो तुम्हारे पास मोबाइल फोन, सूचना क्रांति तुरंत फैल जा, ये सूचना क्रांति
कोई भी काम करना हो 3-4 दिन में काम हो जाएगा तुरंत, क्योंकि मोबाइल फोन मौजूद है, समझ गए, इससे तुम्हारा समय बचाया। तो पहले किसी भी विचारधारा को जनरेट होने में, सूचनाओं तक पहुंचने में कम से कम 50-100 साल लग जाते थे। हमने डिमांड करनी स्टार्ट करी, पता कब से डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, ब्रिटिश काल थे 1897 तक। 1897 में महारानी विक्टोरिया आई थी अल्मोड़ा में अपनी सालगिरह मनान, 50वीं सालगिरह मनाना आई थी वह, इंग्लैंड की महारानी 50वीं सालगिरह मनाना आई थी यहाँ से। उसके सामने जाकर हमने ज्ञापन सौंपा, एक पृथक प्रशासनिक इकाई बना दो उससे, प्लीज़। इन्होंने जो कुमाऊँ वाला क्षेत्र पूरा का पूरा, अच्छा जब भी मैं कुमाऊँ की बात कर रहा हूँ तो पूरे गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों की बात कर रहा हूँ, ये कुमाऊँ वाला प्लीज़ रानी जी एक काम करो, आपकी सालगिरह ही तो, सालगिरह का एक गिफ्ट दे दो प्लीज़, कुछ तो बोल दो। अच्छा उनका यह बात है, हाँ उत्तराखंड के लोग पहुँचे उनके सामने, प्लीज़ ऐसे काट कर अलग बना दो। 1897 में पहली बार उनके सामने प्रस्ताव ज्ञापन सौंपा था, रानी ने कहा ठीक है मैं देखूंगी, कोई बात नहीं। आए क्या हमें यहाँ सालगिरह मना रहे, अरे बताओ केक काटने आ रहे अपने पति के बच्चों के साथ बैठ कर, क्या जमाना बताओ, समझ गए, यहाँ हमारी समस्याएं अलग, हम ज्ञापन ठेका लेकर पहुँच गए, कागज पर लिख के पहुँच गए, ये हमारी समस्या है, प्लीज़ इसे इतनी भागों को काट कर अलग कर दो। 1897 से लेकर क्या हिसाब रहेगा ये समझना, हम 1897 से लेकर क्या हिसाब रहेगा, 97 समझ रहे ना बात ये। उसके बाद यहाँ 1945 से लेकर 1960 के बीच में जो भी हम बहुत अच्छे तरीके से मांग रखने वाले, यहाँ कोई भी हुड़दंग नहीं होने वाला बिल्कुल भी, और संवैधानिक तौर पर साधारण तरीके से उदारवादी तरीके से बिल्कुल नरम दिल करके हम उनके सामने प्रस्ताव पेश करने वाले, किसके सामने पता, किसके सामने, सरकार के सामने। सरकार कौन सी, अब तो अंग्रेजी सरकार नहीं चली गई, अंग्रेजी सरकार के सामने थोड़ा ही है, अपनी सरकार के सामने, उत्तराखंड के लोग अपनी ही सरकारों के सामने। अपनी सरकार कौन थी, जीओ यूपी था पूरा का पूरा यूपी था, ये यूपी पूरा का पूरा एक संयुक्त प्रांत था पूरा का पूरा, ये विधानसभा हुआ करती थी पूरी की पूरी, इस विधानसभा, ये विधानसभा जो वहाँ थी लखनऊ के अंदर विधानसभा थी, उसके सामने प्रस्ताव रखेंगे, लखनऊ को जाकर घेरना स्टार्ट करेंगे, घेरना स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी संवैधानिक तौर पर बात बता रहे हैं कि बन जा बस उत्तराखंड, बन जा। बहुत सारे राज्य बनने थे, 1953 में हमारे यहाँ से क्या बना था, 1953 बना था हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश बना था, समझने की बात है, अलग अलग राज्य बनते चले जा रहे थे, सोच रहे थे हमारा भी बन जा, बना नहीं, देखेंगे डिटेल से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 65 से लेकर हम भैया कहाँ तक जाएंगे, 78 तक, 65 के आसपास की बात ऐसी है, 62 के आसपास की बात कि कारगिल का युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, चीन के साथ हमारी लड़ाई बच जाएगी। हमने सोचा बेटे एक काम, अगर तुमने भारत जो लड़ाई कर रहा, तिब्बत के साथ लड़ाई चल रही, उसकी चाइना के साथ लड़ाई चल रही, इंडिया का युद्ध चल रहा है, सोचा बेटे अगर भारत वालों का साथ नहीं दिया, उत्तराखंड वालों ने सोचा भारत वालों को साथ नहीं दिया तो बहुत पिटेंगे, याद रखना बात क्या। तमीज से पंडित गोविंद वल्लभ पंत इस टाइम पर वो थे, 65 पर तो आसपास डिलीट हो चुके थे शायद, 67 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, नाम सुना पंडित गोविंद वल्लभ पंत, अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कहाँ गए, अल्मोड़ा के अंदर एक खूंट पड़ा वहाँ के रहने वाले थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उदारवादी नेता थे बिल्कुल भी। बजेत पांडे का नाम सुना है, बजेत पांडे कहाँ के पता, तुम्हारे बहुत पास के ही है, कनखल का बजेत पांडे, समझ में आई बात है। बजेत पांडे पैदा हुआ 1882 में, ये गोविंद वल्लभ पंत पैदा हुए 1987 में, समझ में बात है, दोनों समांतर पैरेलल नेता पूरे के पूरे, अच्छा काम करा है उत्तराखंड के लिए, बात करेंगे इनकी भी अच्छी तरह, बीच में जब बात आ गई तो इनकी, तो यहाँ 65 से लेकर 78 के बीच में पता क्या हुआ, पहला फेज था, मैं इस अपनी भाषा में फर्स्ट फेज कहता हूँ, जब उत्तराखंड के लिए प्रयास करे जा रहे थे, जब इसके बारे में किताब पढ़ रहा था तो किताब पढ़ते वक्त मुझे पता चला कि मैं कहीं ना कहीं इसे प्रथम चरण बोल सकता हूँ, उत्तराखंड के इतिहास का प्रथम चरण कह सकता हूँ, जब उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए, उत्तराखंड को सेपरेटेड स्टेट बनाने के लिए जो डिमांड उठाई जा रही थी उसके लिए पहला फेज यहाँ से स्टार्ट होगा, 67 तक प्रारंभ होगा, 78 तक चलेगा, ये पहला फेज था, उत्तराखंड को बिल्कुल सेपरेटेड राज्य चाहिए तो चाहिए, अभी हम अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे, ये जमाना 65 तले का 78 का, अब हम लड़ाई कर रहे हैं अपने ही देश के लोगों से, हम अलग राज्य दो हम अलग राज्य, हमारी समस्याएं अलग, क्यों मांग रहे थे अलग राज्य, अलग राज्य की डिमांड क्या थी, क्योंकि एक बहुत बड़े राज्य के अंदर रहकर एक छोटा सा क्षेत्र पीछे तो छूट जाता, क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे ना, सामने वाले 20 बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए इसमें कोई दो राय नहीं है, आई कॉन्टैक्ट भी उनसे बना रहा, अगर 400 क्लास में बच्चे बैठे तो 400 वाली जो लाइन होगी वो छूट ही जाएगा पीछे, उसका विकास होने का ही नहीं हो सकता, बैठ के पीछे फोन चला रहा हो फिर क्या करूँ बताओ, उसका सब छूट जाएगा नहीं जाएगा, ये कॉमन सेंस साइकोलॉजी वाली बातें हैं, तो समझ में आई बात है। अच्छा 65 से लेकर 67 के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए इसे प्रथम फेज या फर्स्ट चरण कहता हूँ अपनी भाषा में, और ये हकीकत में ही फर्स्ट चरण, ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें मेंस भी लिखना पड़ सकता उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए डिजाइन कर रखा पूरा का। उत्तराखंड क्रांति दल यहाँ एक पार्टी बनाई, उत्तराखंड के लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली, मैंने सोचा ऐसा नहीं काम चलने का, अगर तुम एक राजनीतिक पार्टी बना लोगे ना फिर तुम्हें कोई छेड़ने का नहीं, आंदोलनकारियों को लोग लाठी बरसा सके, नेताओं को लाठी नहीं बरसा सकते, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं एक पार्टी बना लेते हैं,
1979 में जाकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, उत्तराखंड क्रांति दल, आज भी है पार्टी है, ठीक। लेकिन अफसोस पता क्या, अफसोस यह इन्होंने सोचा जब हमारे बहुत सारे विधायक इकट्ठे हो जाएंगे, फिर भी सारे विधायक लखनऊ में जाकर बैठेंगे और 20-30 तो विधायक हो ही जाएंगे, अगर 20 तो विधायक हमारे विधानसभा में जाकर बैठेंगे और लखनऊ में, और वो मुख्यमंत्री के सामने बोल लेंगे बैठ कर जाकर, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा शायद वहां से अपने, हमारी वहां तो उत्तराखंड बन सके। लेकिन अफसोस एक ही व्यक्ति जीतता है, चुनाव लड़े 1979 में पार्टी बनाई इन्होंने, एक साल बाद चुनाव लड़े, एक ही व्यक्ति जीतता है, जसवंत करके कुछ ऐसा करके नाम था, समझ आई बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ इसमें जो उत्तराखंड क्रांति दल था इसमें भी बाद में जाकर विभाजन हो जा, फूट पड़ जा इसमें, जब फूट पड़ जा फिर क्या दिक्कत होगी, दिक्कत यह होगी दो पार्टी देश में इस टाइम काम कर रही थी, एक तो हमारे पास थी दो पार्टी, एक तो कांग्रेस पार्टी थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहा करती थी, ठीक, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लंबे समय तक सस्टेन करती रही, और दूसरा क्या है एक छोटी छोटी पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस के लोग उब चुके थे, उबने का मतलब समझते हो जानते, ज्यादातर झेल नहीं सकते एक ही पार्टी को लंबे समय तक, कि प्रधानमंत्री उनकी विचारधारा को झेलते रहो इंसान वैसे भी बोरियत फील करे। दूसरी पार्टी उभरना स्टार्ट हुई बीजेपी, बीजेपी के लिए अच्छा मौका था, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम सुना तुमने, 1991-90 के आसपास बड़े एक्टिव थे, 1988 के आसपास में, 1988 में अल्मोड़ा आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी पार्टी वा, अभी केंद्र में भाई कांग्रेस की सरकार है, समझ बात है, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार है यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है इस एरिया में पूरे के पूरे, ठीक, इस पूरे एरिया में मतलब यूपी में भी कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पे दूसरी पार्टी भी उभरना चाह रही, लाल कृष्ण अडवाणी जिन्होंने वो राम मंदिर के लिए आंदोलन करा था, पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए, वही है लाल कृष्ण अडवाणी जिन्हें बाद में जाकर गिरफ्तार कर लिया था, पता किसने, मुख्यमंत्री ने करा था बिहार के, नीतीश कुमार ने, वो क्या नाम उसका, लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया था उसे, कह रहे जाओ तुम सेकुलर को ठेस पहुंचा रहे हो, चलो साइड करो उसको, ठीक है ऐसे करके। तो लाल कृष्ण अडवाणी ने अल्मोड़ा में आकर पता क्या कहा था, मगर घबराएंगे तुम, जरूरत नहीं है उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को, तुम मेरे साथ मिलकर चलो इस बार चुनाव में हमारा साथ देना, क्योंकि उन्होंने तो भाई अपनी पार्टी बड़ी करनी थी, उनके कुछ नेता थे, उन्होंने उनका बढ़ चढ़ का साथ दिया, बढ़ चढ़ का साथ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ 1991 के आसपास, 93 के आसपास जाकर जो हो सरकार बनी कल्याण सिंह रावत की उत्तराखंड के अंदर, इसके यूपी के अंदर कल्याण सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, और जो कल्याण सिंह रावत थे वे बीजेपी थे, किस थे, तो बीजेपी थे, उन्होंने कहा हम पेश करते हैं कोई समिति बनाते, बाद में जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया 1993-92 के आसपास की बात है, बाद में जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दे दिया तो क्या हुआ, फिर सरकार बदल गई, सरकार आई मुलायम सिंह यादव की, मुलायम सिंह यादव की सरकार इतनी खतरनाक थी, इन्होंने लाठी डंडे बरसा रखे हैं उत्तराखंड के लोगों पर, ये वाला कांड होगा कभी वाला कांड होगा कभी वाला कांड होगा ऐसा करके। तो अच्छी सरकार ने उन्होंने दो समिति भी बनाई, एक बनाई कौशिक समिति, एक बनाई मडतवाल समिति, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी अपनी, ऐसा ऐसा उत्तराखंड बनाना ऐसा ऐसा कर, समिति बनाने से क्या हो रहा है, 50 समितियां बना दो उसमें 10-20 लोग बैठा दो, इससे क्या हो आंदोलन शांत हो जाए और कुछ भी नहीं होता, समझना ही बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंद्रमणि बड़ोनी, बहुत अच्छा नाम है इंद्रमणि बड़ोनी, उत्तराखंड का गांधी हो, बहुत इतना लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति, देखिए जाकर फोटो देखा था ना उसका, इंद्रमणि बड़ोनी का देखना, उत्तराखंड का गांधी बोल रहे ना, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और जो 1907 के आसपास जन्मे होंगे, 7 के आसपास जन्मे थे, और काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव थे, 24 के आसपास जन्मे थे और लंबे समय तक एक्टिव रहे, लंबे समय तक कब तक, 1999 में आकर मरे, 1999 में, ठीक, ये गए और हम आए, समझ की बात है, ये गए और हम आए, तब जाकर उत्तराखंड बना, जब आया ना तब तो उत्तराखंड बना, ठीक, डर गए ना मेरे तो सारे के सारे, देखिए कितना डर है मेरे तो, मैं 1998 के बाद मेरा जन्म हुआ 99 में, जैसे ही मैं आया तुरंत इन्होंने तुरंत उत्तराखंड बना कर रख दिया, इन्हें बता ना मैं आने वाला, समझने की बात है, इतना खूब, चलो इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, तो इस ऐसा करके फिर को समझेंगे। यो ना हमारे पास 94 से लेकर 2000 तक का अंतिम चरण, 86 से लेकर 1993 तक उत्तराखंड बनाने की संभावना यहाँ ज्यादा दिखाई देने स्टार्ट हो गई थी 86 से लेकर 93 तक, उसके बाद 79 से लेकर उत्तराखंड 80 तक यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, वो पार्टी बनाई गई थी राजनीतिक पार्टी, उत्तराखंड के युवा जो यूथ लोग थे बड़े बड़े अच्छे लोग थे गर्म दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनानी थी, यहाँ जो घटनाएं घटी वे हम समझेंगे, ऐसा करके मैंने से बांट लिया, ठीक। अब मोटे मोटे तौर पर मैंने तुम बता दिया कि हम उत्तराखंड को कैसे समझने वाले, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, उत्तराखंड को सेपरेटेड स्टेट बनाने के लिए कैसे आंदोलन चला गया, कैसे मूवमेंट चला गया, वो सारे समय समझने का प्रयास करना, प्रयास ही नहीं करना, विश्लेषणात्मक क्षमता भी मजबूत करनी, क्यों करनी पता, क्यों करनी, ताकि कल को कोई क्वेश्चन अगर वैसे भी गेस करना शुरू करो ना तो सही जा, समझ गए, और समझते हैं थोड़ा डिटेल से जाते हैं, ये तो बाहर बाहर से था, थोड़ा डिटेल से जाते हैं, इसके अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, जाओ समझो।
यहां देखो पहले नंबर पर बात दो, यहां मैंने लिख रखा है पहले नंबर पर 2 दिसंबर 1815 के बाद 2 दिसंबर 1815 आया, हाँ सर आया। यहाँ गोरखाओं का शासन था उत्तराखंड पर, इस पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन था, हाँ सर था। उसके बाद इसके यहाँ संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि अंग्रेजों के बीच में हुई थी और गोरखाओं के बीच में हुई थी, ठीक। और जो सुदर्शन सा था उसे भी बुला लिया था, बेटा तू बताता क्या चाहिए तुझे। उसने कहा मुझे टीरी चाहिए। उसने कहा गोरखे ने कहा, गोरखों ने कहा बेटा तुम अपने घर जाओ, आज के बाद आना मत इधर भी। और आए ना इधर काठमांडू के अंदर तक, सारा नेपाल पर भी कब्जा कर लेंगे इस बार तुम आए। चलो संगोली की संधि होगी, संगोली की संधि के बाद पता क्या हुआ, इस पूरे एरिया पर जो एक तो यहाँ तो ये तो पूरा एरिया, ये तो टिहरी रियासत मानता था, पूरा एरिया टिहरी रियासत में, यो और यो उत्तरकाशी और ये दोनों मिला के टिहरी रियासत मानते थे। इसे छोड़कर जो पूरा क्षेत्र आता था ना वो ब्रिटिश कमिश्नरी के अंदर आता था। और जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी ना, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ 23 कमिश्नर आए, 23 के आसपास पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया, जाकर क्लास देखो जाकर। उन 23 कमिश्नर जो आए ना, उन कमिश्नर की खास बात यह थी, कमिश्नरी प्रांत को यहाँ पूरा को पूरा कमिश्नरी प्रांत बना देगा, इस पूरे एरिया में कमिश्नरी प्रांत आयो। कमिश्नरी प्रांत स्थान ऐसा स्थान हो जहाँ किसी भारत का जो गवर्नर जनरल रहा होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा होगा, उसकी जरा से नहीं चलने की यहाँ से। उसने कहा तो अपने घर जा, ठीक है, यहाँ तेरे कोई नियम कानून नहीं चलने के, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाया था। नॉन रेगुलेटिंग प्रांत एरिया पता किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं जहां गैर विनियमित क्षेत्र, जहां किसी का शासन नहीं चलने का, यहां का जो कमिश्नर होगा अपने नियम कानून खुद ही बनाएगा। सर हेनरी रेमजे को क्या कहते हो तुम, बिना मुकुट का राजा, मुकुट रहित राजा, ये तो बोलते हैं, अपने खुद के नियम कानून बनाते थे, पता लग गया। गैर विनियमित क्षेत्र बनाया है, ये लिख रखा मैंने देखो यहाँ से, संगोली की संधि के बाद ये कुमाऊं कमिश्नर क्षेत्र बनाया गया, मैंने छोटे छोटे फैक्ट लिख रखे बनाया गया। और यहाँ धीरे धीरे पता क्या हुआ, इनके द्वारा जो कमिश्नर थे, इनके द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई जो सही नहीं है थी उत्तराखंड के हिसाब से, उत्तराखंड की संस्कृति को भी प्रभावित कर रही थी, मैं यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। क्या होगा, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश पैदा होगा। 1870 में पता क्या हुआ, 2 दिसंबर 1815 आया, 1870 तक आते आते 15 की बात चल रही, तो 15 तो लेगा, 70 तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ ऐसे कमिश्नर भी आए जिन्होंने इस ब्रिटिश कमिश्नरी के अंदर, ये पूरा का क्षेत्र था ब्रिटिश कमिश्नरी वाला, बहुत अच्छा काम भी करा। तो लोग ना आराम से बड़े खुश थे, कह रहे यार चलो गोरखाओं तो पीछे छूटा, भगाओ इन्हें गोरखाओं को, यार आराम से हम शांति से रह रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। इधर क्या हो रहा है, इधर देश में यही सी सबसे पहली बार बुद्धिवल्लम पंत, नाम सुना बुद्धिवल्लम पंत, पहले भी पढ़ाया था मैंने, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी। और डिबेटिंग क्लब कहाँ बनाया था, अल्मोड़ा के अंदर बनाया था, नहीं बनाया था, अल्मोड़ा में बैठा कर लोगों को, युवाओं को बुलाया, अड्डा बनाया, दारू पीने का, समझ लो, समझ आई बात, चाय नमकीन बिस्कुट रखे सब वहाँ से, जाओ बैठो, इधर आ। बुद्धिवल्लम पंत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति है, लोगों को बुलाया, आसपास के जो लड़के थे उन्होंने कहा देख सुन ध्यान लगा कर, ये अंग्रेज है ना, ये शुरू शुरू में तो शहद देंगे और बाद में जाकर मुंह दुबुखी की तरह काट काट कर खाओगे तुम्हें, इसलिए सजग हो जाओ अभी। अच्छा ये बात, उन्होंने तो कहा तुम्हारी ना, तुम भी यार तुम राजा क्यों नहीं बन सकते, ऐसी ऐसी बैठकर वहां बात होने लगी, उत्तराखंड के लोगों के अंदर चेतना जागनी स्टार्ट होगी, राजनीतिक चेतना, ऐसी वैसी चेतना, राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी हो, राजनीतिक चेतना, राजनीति में आना बहुत जरूरी था युवाओं का। तो यहाँ डिबेटिंग क्लब जो बनाया गया था बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा, उसके अंदर सबसे पहली बार उत्तराखंड के युवाओं के अंदर जो हो राजनीतिक चेतना विकसित करने का प्रयास करा गया, जो सबसे पहले मैं अपनी भाषा में 1870 के डिबेटिंग क्लब को राजनीतिक चेतना का उत्कृष्ट करने वाला सबसे पहले संगठन कहता हूँ, और है ही यो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, भले ही उत्तर ना पूछे पेपर में आकर, प्रश्न पूछते नहीं ऐसा करके, जिस दिन पूछेगा पूछ लगा डिबेटिंग क्लब क्या था, तो डिबेटिंग क्लब वही था जो बुद्धि वल्लभ पंत ने बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि लोगों के अंदर लोगों को राजा बनाया जा सके यहाँ के। यहाँ यार यही रामजी पैमजी क्या कर रहे हैं, भगाओ नहीं ना, हमारा देश हमारा शासन हमारा क्षेत्र उत्तराखंड हमारा, हम शासन करने चाहिए ना, स्थानीय स्वशासन दे ना, क्या बीमारी है। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बड़ी खास बात यह हुई पूरे देश के अंदर उस टाइम पे 1870 की बात चल रही है, पूरे देश में क्या हुआ, एक संगठन बन चुका, पूरे देश में भी कोई राजनीतिक संगठन नहीं आया था, पूरे देश में कोई राजनीतिक संगठन नहीं आया था, एक संगठन बन चुका कांग्रेस 1885 में। जब 1885 में कांग्रेस बन गई ना, भारत के उत्तराखंड के लोगों में भी ताकत आएगी, हम भी कोई ऐसा संगठन बना सके 85 में। तो उत्तराखंड के जो छुटपुट लोग थे, कुमाऊं के जो लोग थे, वे और कांग्रेस की क्या खास बात थी, कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे दिसंबर के महीने में, अधिवेशन मतलब बैठक, उस बैठक में लोग कोने कोने तकते थे, अपनी समस्या बताते थे, उत्तराखंड के भी लोग गए होंगे, मैंने पहले ही पढ़ाया पिछले वाली क्लासों में, तुम गए थे, उत्तराखंड का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था उसमें 3 लोग गए थे, उसमें से एक व्यक्ति का नाम बहुत फेमस था, पता कर सको क्या बताया भाई, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था नहीं हुआ था, पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने तुम्हें, तो बताओ उसमें मैंने कहा था है जवालादत्त जोशी गए, जब दूसरा अधिवेशन हुआ ना कलकत्ता अधिवेशन, उसमें जवालादत्त जोशी गए, जब जोशी जी गए हैं तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा जी हमारे यहाँ का दुर्गम क्षेत्र, हमारे लिए कुछ प्रयास करो, इसे एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रयास करो, ये डिमांड नहीं रखी ना,
अभी जाना स्टार्ट हुए कि देखें यहाँ बैठ कर बातचीत क्या हो रही, ये कांग्रेस वाले जो क्या बोल रहे, जो नया नया संगठन बना कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, इसमें किस तरह बातचीत हो। तो 1986 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, हमारे यहाँ उत्तराखंड से लोग जाने स्टार्ट हुए, वे बड़े बड़े नेता, वे इसलिए संगठन बनाया गया ताकि वो कांग्रेस क्यों मनाई गई थी, ये अंग्रेज दिल्ली गद्दी बैठे हुए उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जरूरत थी एक राजनीतिक संगठन की जो समाज देश के कोने कोने तक अपनी उनकी आवाज़ सुनता था, लिखता था, वे लेटर लिखते थे, उनको बड़ा पत्र लिखते थे और वे जाकर अंग्रेजों के सामने रख देते थे, ये इनकी डिमांड है। तो बढ़िया था कांग्रेस, तो चलो इस तरह काम चलता था, हर साल मीटिंग होती थी, बैठते थे, आते थे, लोग कोने कोने तक आते थे, चलता रहा काम। लेकिन दिक्कत यहाँ पता क्या हुई, कांग्रेस की स्थापना होगी 1916 में, इससे पहले 1800 यहाँ लिख लिया, मैंने लिखने रखा है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ इस पूर्व में इसलिए लिखा हूँ यहाँ से ताकि तुम्हें बता सकूँ नोट्स कैसे बनाना। 1800 दिक्कत, ये तो 1800 चला गया हमारे पास, 1800 चला गया, 1870 चला गया, 85 भी चला गया। 1897 में महारानी विक्टोरिया थी जो अपनी जो 50वीं सालगिरह मनाने वाली थी, उसने तय करा कि वो 50वीं सालगिरह भारत में मनाएगी, और भारत पर उस टाइम पर अंग्रेजी सत्ता का शासन था, समझ, उनका मानना था अंग्रेजों का कि हमारे पास हमारे बस की बात नहीं है शासन को चलाना, ये मैसेज रहा उनका। तो जब उन्होंने सोचा महारानी विक्टोरिया ने, चलो अपनी सालगिरह यहाँ मनाएंगी, अपने बीवी बच्चों को और अपने पति को लेकर यहाँ चली आई है अल्मोड़ा में, नहीं सीधी देश के कोने कोने में आई, कोने कोने में घूमते घूमते एक दिन उसका आना पता कहाँ हुआ, अल्मोड़ा के अंदर हुआ। ये तो बहुत बड़ी जगह घूमने की, वाओ क्या नज़ारा, ब्यूटीफुल, बीबी सेल्फी लो सेल्फी लो। तो सेल्फी सुल्फी लेकर केक काक काटने, अब उत्तराखंड के लोग परेशान बेचारे, परेशान कुछ अच्छे खासे लोग 20-30 की संख्या में लोग थे महारानी विक्टोरिया के यहाँ जहाँ रह रही थी उनके दरबार पहुँचे, क्योंकि महारानी हुआ तो यार पूरे देश पर शासन कर रही, पूरे देश में उसका ही हक चला गया यार, वो तो इंग्लैंड पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया के जितने भी पूर्व के देश है सब पर शासन कर रहे थे, पूर्व के जितने भी देश थे सब पर 20-20 साल के लिए अधिकार एकाधिकार ले रखा था उन्होंने, तो महारानी की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे। कागज पर लिख कि महारानी जी आपसे एक रिक्वेस्ट, ये पहली बार था, सबसे पहली बार महाराज जी ने आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी कि हम ना ये चाहते हैं ये जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, ये कुमाऊं वाला पूरा का पूरा क्षेत्र इसे ना एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में बना दिया जाए। नुकारी क्या 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 बोला था ना, दोबारा बोल जी, हम नुकारे इसे एक सेपरेट इंग्लिश, नुकारी इंग्लिश बोल, नुकारी इंग्लिश बोल, हिंदी नहीं आती मुझे, उसका जो साइड में ट्रांसलेटर खड़ा था मैडम नुकारा ये कह रहा है कि जो ना इसे पूरा प्रशासन सेपरेटेड सेपरेटेड गवर्नेंस बॉडी के रूप में सेपरेट कर दिया जाए, ऐसा ऐसा करके कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है, ठीक है ओके आई विल टेक टू डू, ओके 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 ओके, ऐसा करके भेज दिया। महारानी ने इनकी बात तो सुनी, सीरियस हो को नहीं सुनी, ठीक है अनुमारी चलो चलो मैं देख लूँगी, चलो 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 मेरे बच्चे रो रहे भी बाद में बात करिए, ठीक बात समझ रहे तुम, कहानी आगे बढ़ती है। तो महारानी ने इग्नोर कर दिया, 1897 में पहली बार था। अगर सवाल पूछा तुमसे, अब सवाल पूछेगा तुमसे पहली बार बताओ, सबसे पहली बार उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं को प्रथा, कुमाऊं ये कुमाऊं की बात चल रही है, पूरा का पूरा कुमाऊं मान कर रखो, पूरा का पूरा कुमाऊं को पृथक प्रशासनिक इकाई, अलग प्रशासनिक इकाई, अलग गवर्नेंस बॉडी, अलग जो गवर्नेंस प्रोविंशियल काउंसिल, पूरा का पूरा क्षेत्र बनाना, पूरा का पूरा अलग बनाने की जो डिमांड रखी गई थी पहली बार 1897 में महारानी विक्टोरिया के सामने रखी गई थी। ये सर नो पता लग गया, ध्यान इंडिया महारानी विक्टोरिया ने, वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, जमाने बदलते हैं, समझ में आई बात है। उसके बाद क्या हुआ, 1917 के बाद, 1917 में ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहाँ से मैं जो समझाने जा रहा हूँ, 1917 में पहली बार मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड था उसके सामने बात रखी गई थी, वो ना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आने वाला था, कानून आने वाला था एक, ठीक। वो कानून क्यों आ रहा, वो कानून इसलिए आ रहा ताकि भारत के लोगों को ना, अच्छा तब उस टाइम पर क्या चल रहा, प्रथम विश्व चल रहा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही, और पूरी दुनिया आपस में लड़ रही ना, तो इंग्लैंड पर, इंग्लैंड वालों ने बहुत सारे देशों पर शासन कर रखा है, तो कुछ लोग देश ऐसे थे वे इंग्लैंड वालों पर आरोप लगा हुए थे कि ये ना जो इंग्लैंड वाले जहाँ जहाँ इन्होंने अधिकार कर रखा है ना, ये दूसरे देशों का शोषण कर, उनके संसाधनों का दोहन कर, उनके देश को ना बर्बाद करने की कोशिश कर, उनका विकास नहीं करते हैं, ठीक। तो इंग्लैंड वालों पर आरोप था, तो इंग्लैंड वालों ने पता क्या करा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लेकर एक कानून बना के लेकर आए, उसमें कहा गया देखो अब जब तुम्हारा विकास करेंगे, और विकास करने का एक बड़ा मॉडल निकाला, उन्होंने कहा कि 1919 का अधिनियम आया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, उसमें कहा था तुम ना हम स्थानीय स्वशासन दे देते हैं, चलो स्थानीय स्वशासन दे दिया तुम, स्थानीय स्वशासन का मतलब अब यहाँ के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ने कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी गई कि यहाँ के लोग और यहीं का ही शासन होगा, इसे बोलते हैं स्थानीय स्वशासन की बात कर दी गई 1919 के अधिनियम में। अब यहाँ एक बात याद की, जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आने वाला था, जब ये कानून बना रहे थे, तो उत्तराखंड के लोगों ने सोचा
बढ़िया मौका, अपने लिए भी कुछ देख लो। ठीक, 1917 में यहाँ के कुछ लोग थे, उनसे मिलने पहुँचे थे, लेकिन उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं गई, वो उसे भी नकार दिया गया। सुन लो मेरी बात, मेरी जो स्टोरी ना वो काम की नॉलेज याद रहेगी बात यार। बद्रीदत्त पांडे मिलने पहुंचे यार, चलो चलो। बद्रीदत्त पांडे 1882 में पैदा हुए थे, इससे मोटा मोटा आइडिया रहा वो 82 में। देख लो कितने साल की उम्र होगी, 25-30 साल के आसपास से उनकी उम्र हो चुकी होगी। ठीक, जब 25-30 साल ज़्यादा हो चुकी होगी, 25-30 साल 35-40 के आसपास उम्र हो चुकी होगी। अच्छे नेता थे बद्रीदत्त पांडे, उग्रवादी नेता थे, दिमाग गर्म था उनका, कनखल के रहने वाले थे, मेरे घर के पास समझ नहीं बात यार 15-20 किलोमीटर होंगे, गर्म दिमाग के थे। ठीक, और जो गोविंद वल्लभ पंत थे वे नरम दिमाग के थे। अच्छा ये खास बात हो गया कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो थोड़ा नरम दिमाग का हो। जयशंकर प्रसाद का नाम सुना तुमने? जयशंकर, मैक्स वेबर का नाम सुना है? मैक्स वेबर एक लेखक इतिहास में, उसका कहना कि जीवन काल में जब कभी भी इंसान के अंदर ना मेच्योरिटी बढ़ती है और उसके उसकी बुद्धि बढ़ती है तो उसके दो चीज़ खत्म हो जाती है, पता तुम्हें? उसकी यौवनता खत्म होती है और दूसरे नंबर पर क्या है उसके ना उसके जिंदगी के मजाज खत्म हो जाए। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं, तुम नहीं पकड़ पाए, चलो रहने दो कोई बात नहीं, अपनी काम पा जाओ। जयशंकर प्रसाद का नाम था, जयशंकर प्रसाद लेखक है इतिहास के अंदर, इतिहास के अंदर नहीं आएगा उसके, हिंदी साहित्य के अंदर लेखक, छायावादी लेखक। उनका मानना पता क्या है, तो कह रहे जैसे जैसे इंसान के अंदर ना जैसे जैसे इंसान के अंदर मेच्योरिटी बढ़ती चले जाएगी वो जिंदगी में तो नहीं कम खुश रहेगा, खड़ूस हो जाओ। ऐसे सही है क्या गलत? अच्छा सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर का, चलो छोड़ो बाद में बताऊंगा, लक्ष्य तो भटक जाओगे। हाँ किसकी बात चल रही थी? यहाँ बात चल रही थी। अच्छा चलो, तब भी फिर क्या हुआ, ज्यादा अथक प्रयास नहीं हुए, नकार दिया गया, मजा नहीं आया बात में। अच्छा सारा का सारा उसके बाद क्या हुआ? अच्छा यहां तो हम पता क्या कह रहे थे, ये उत्तराखंड बनाना तो चाह रहे, उत्तराखंड का भी नाम भी नहीं लिया ना, कह रहे बस पृथक प्रशासनिक इकाई बन जा। इससे पूछा क्यों? नु कह रहे जी हमारा जो क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, ये एक अलग दुर्गम इलाका, उबड़ खबड़ इलाका, यहाँ पत्थर कंकड़ पेड़ पौधे कुछ है नहीं, इसके अलावा क्या करो हम, इसे अलग कर दो, कुछ ठोस बात नहीं है, मतलब बात में दम नहीं है भाई, तुम अलग होना चाह रहे, कुछ कुछ ठोस कारण तो हो, किस बेस पर तुम अलग होना चाह रहे? ठोस कारण नहीं है इनके पास, अभी तो कोई ठोस कारण नहीं है, और अभी ना संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखे, अभी अंग्रेजों के सामने है सिर्फ। ठीक, अभी हम मजाद नहीं हुए, कारण क्या था? अगर पूछे तो कोई क्या कारण भाई अलग होना चाह रहे, नु कह रहे यहाँ अभावग्रस्त संसाधनहीन विषम भौगोलिक परिस्थितियां। देखो मैंने एक लाइन में सब कुछ टेक दिया, अभाव मैंने क्या लिखा, अभावग्रस्त संसाधनहीन विषम परिस्थितियां, यहाँ से ऐसे करके उनके डॉक्यूमेंट में लिखा होता वही वर्ड मैंने टेक दिया कि यहाँ उत्तराखंड के अंदर ना इतनी बुरी हालत कि हमें अलग होना ही पड़ेगा, हमारा चाह कभी डेवलपमेंट हो नहीं सकता, तो जरूरी हमारे लिए एक अलग गवर्नेंस, अलग प्रकार का गवर्नेंस बनाया जाए, अलग प्रकार का हमारे पास स्वशासन बनाया जाए, हमारे पास ये चाह रहे थे। लेकिन दिक्कत पता कहाँ हुई? दिक्कत क्या, सबसे पहली बार जैसे परीक्षावाणी किताब उठाओगे उसमें यहाँ से स्टार्ट हो 1938 तक परीक्षावाणी किताब उठाओगे, लेकिन मैं तो शुरू से पढ़ाया तुम 1938 में यहाँ पौड़ी के अंदर श्रीनगर पढ़ो पूरा का पूरा, जो श्रीनगर के अंदर ना दो व्यक्ति आए थे, दो बड़े नेता, वो भी देश के बड़े नेता, अल्मोड़ा के अंदर सम्मेलन चल रहा था, मीटिंग चल रही थी श्रीनगर के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर नहीं श्रीनगर के अंदर मीटिंग चल रही थी, और श्रीनगर के अंदर चल रही थी मीटिंग, तो दो व्यक्ति आए हुए थे, एक तो आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक उनकी बहन आई थी विजय लक्ष्मी पंडित, दोनों विजय लक्ष्मी पंडित बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, समझ बात है, यूएनओ में वो रह चुकी, वह सचिव रह चुकी यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, तो ये दोनों आए थे, समझ आएगी बात, चाय नाश्ता करा है ना, उसके बाद यहाँ के कुछ लोग थे, बद्रीदत्त पांडे का नाम सुने हो तुम? बद्रीदत्त पांडे का नाम, अब बद्रीदत्त पांडे रुकने वाले थोड़ा ही है। ठीक, सबसे पहली बार इनके सामने अगर कहीं प्रस्ताव रखा गया था, प्रपोजल रखा गया कि हमें एक अलग स्टेट चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए, ठीक, अभी नाम उत्तराखंड नहीं आया, अभी नाम ही नहीं लिया उन्होंने उत्तराखंड का, एक पृथक प्रशासनिक इकाई चाहिए, एक अलग राज्य की अगर पहली बार कहीं मांग रखी गई थी तो श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर पता लग गया कहाँ से, पौड़ी के अंदर श्रीनगर मौजूद, श्रीनगर के अंदर एक सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित आए हुए थे, और उन दोनों के सामने सबसे पहली बार डिमांड रखी थी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कि हमें ना एक अलग राज्य चाहिए ही चाहिए, समझ गए, सबसे पहली बार पेपर में अगर सवाल पूछा जाए सबसे पहली बार डिमांड कब रखी गई थी तो 1938 में, कौन सा अधिवेशन चल रहा था श्रीनगर, कौन सा अधिवेशन चल रहा था याद रहेगी बात, श्रीनगर में कांग्रेस का अधिवेशन था, किसका अधिवेशन था,
पता कहाँ से, कब बताया, 1938 में, पता लग गया, चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 1938 में यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दीक्षित नगर सम्मेलन था, PJN पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे, उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। मैंने सब कुछ नहीं लिख रखा है, क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी भाई साहब, दोबारा देखनी पड़ेगी क्लास, उसके अंदर फिर डाटा इंक्लूड करना पड़ेगा, बात समझ में आई है, उसके बाद ध्यान से समझो अच्छे तरीके से। इसी समय बता दी दिक्कत क्या होगी, इसी समय होगी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, उसमें पता क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था 1935 का अधिनियम कि भारत में चुनाव होंगे, वजह पहली बार भारत में चुनाव होने जा रहे थे, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मुख्यमंत्री बनेंगे। 1937 में भारत में चुनाव हुए, पहली बार भारत में चुनाव हो रहे अंग्रेजों के टाइम पर, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था, जो तीन गोलमेज सम्मेलन के बाद आया था, तीन गोलमेज सम्मेलन में हम डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम को लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए तुम कभी भी नहीं कह सकते कि भारत का संविधान कॉपी कर लिया गया, आज अधे लोग कॉपी कहते हैं ना कि अंबेडकर ने तो देखो देखो संविधान कॉपी कर लिया, चाटे इतने बारों में याद रखोगे, पढ़े हुए नहीं थोड़ा बहुत कुछ, ऊपर ऊपर से पढ़कर काम थोड़ा चल जाएगा, कॉपी नहीं करा है। उस 35 के अधिनियम को लाने में जितनी बात थी उसके अंदर लिखी हुई सारी अंबेडकर ने बोली थी, बैठ कर वहां अकेला बंदा तो जो बोल रहा था, एक सिंगल पीस है तो बताओ, पीस तो जानते हो, पीस समझाएंगे बात, समझाने वाला किसे भी कह सके, बाकी सब शांत बैठे थे, बोल लगा वही जिसके अंदर नॉलेज होगी, बोल लगा वही जिसके अंदर नॉलेज होगी, याद रखना बात है। अच्छा 1937 में चुनाव हुआ, जब 37 में चुनाव हुआ ना, सुन लो 37 में चुनाव हुआ, और 37 में चुनाव होते ही ना यूपी के मुख्यमंत्री बन गए, गजब सीट जीती कांग्रेस ने, बढ़िया करके तभी से कांग्रेस बहुत बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया, यूपी में जीत गए कांग्रेस, और जीतने के बाद 425 के आसपास सीट थी, बहुत बढ़िया मात्रा में सीट जीतती, और जब सीट जीतती ना 37 में, पता क्या हुआ, मुख्यमंत्री बनाया गोविंद वल्लभ पंत को, किसे बनाया गया, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तराखंड के लोगों को लगा अब तो कुछ हो सकता है, अब तो कुछ हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही, जैसे फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1939 तक, 39 के बाद ना दूसरा विश्व युद्ध चल गया था, और दूसरा विश्व युद्ध चल गया था, अंग्रेजों को चाहिए थे सैनिक, ठीक, तो हम रिझा रहे थे, आओ आओ साथ दो, ले अगस्त प्रस्ताव, ले 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 गिरफ्त प्रस्ताव, महात्मा गांधी कह रहे भारत छोड़ो, माता समझ में आई बात यार, ऐसे ऐसे करके चुग्घा डाल लेते हैं हमारा, हम तो क्या डाल लेते, आओ आओ टोमी, तो जो कांग्रेस थी ना, जहाँ जहाँ हम कांग्रेस के पार्टी लोग जीतते थे, कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया, साफ कह दिया 1939 के आसपास आकर कि हम चुनाव में कोई भाग नहीं लेने वाले, जो मुख्यमंत्री थे क्या नाम थे, गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, सब ने कांग्रेस वालों ने सब ने पदों से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हमारे जहाँ चाहिए थी पूरी आज़ादी, अब हमें छोटा छोटा ऐसा बड़ी गद्दी पर तुम बैठोगे, तुम दिल्ली गद्दी पर राजा बनकर बैठोगे, हमें तुम मुख्यमंत्री बनाओगे, हमारा देश है, हो तुम्हारे बाप का अधिकार है यहाँ से, मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी के अंदर जो अंतरात्मा थी वह कह रही थी, महात्मा गांधी मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की पूरी विचारधारा, मतलब कांग्रेस की पार्टी, यस सर नो, ये बात थी। अच्छा 1938 भी गया, यस सर 1938 भी गया, अब क्या होगा, फिर वही हम ना उत्तराखंड के लोग, अब देश में आंदोलन हो रहे बड़े बड़े, भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, अब इस टाइम के बीच में आएगा, अगर कोई बदीदत्त पांडे जैसे कह देता यहां तो चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं कर रहे उत्तराखंड उत्तराखंड बदीदत्त पांडे के खाल तारते चटा लगता तो वहीं पड़ता अपनी जन भूमि में जाकर कनखड़ में, समझ में आई बात है, इसी ने कहा थोड़ा तुम इस होश बनाओ करो होश, बात समझ में आई ना, ठीक। अच्छा उत्तराखंड को बनाने के कभी भी संपर्क में नहीं रहे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत का हमेशा नकार दिया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, बार बार निराश करा, क्यों कह रहे बद्रीदत्त पांडे जाते उनके पास, देख लो यार बनवा दे, बद्रीदत्त पांडे गर्म दिमाग के आदमी थे, गर्म दिमाग के आदमी, गर्म दल के नेता थे, और जो हमारे गोविंद वल्लभ पंत थे ना ये नरम दल के नेता थे, दोनों का उद्देश्य पवित्रता उत्तराखंड बनाना, उद्देश्य पवित्रता उत्तराखंड बनाना, बना क्या बना भाई, लंबी लंबा संघर्ष, अभी तो 45 में ही आए तुम, ठीक हम पंच अंग्रेज यहाँ तो चलो खत्म होगा, 45 में क्या हुआ, 45 में सरकार बदल गई इंग्लैंड में, बदलनी इंग्लैंड में, वह जो सरकार थी क्लाइमेट इटली की सरकार आई, क्लाइमेट इटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में पहले कह दिया था अगर मेरी सरकार आई भारत को आजाद कर दूंगा, इसलिए वहां भी बहुत सारे लोग थे इंग्लैंड के अंदर भी
जिन्होंने सपोर्ट करा था, किसे सपोर्ट करा था, क्लाइमेट इटली को, और जिससे जिताने में उनका योगदान था। उसने कहा चल हमारा देश आजाद कर, उसने कहा घबराओ मत बिल्कुल भी, ले अब भेज रहे तुम्हारे यहाँ से कैबिनेट मिशन। 1940 में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेज दिया और कैबिनेट मिशन में बहुत सुनहरी सुनहरी बात लिखी हुई थी, वाओ सबसे पहला भारत, अपना भारत के लोग तुम अपना संविधान बना सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी अंग्रेज नहीं होने का, भारत के लोग खुश, वाओ गजब। इससे बढ़िया क्या खास बात थी, हो गया था रास्ता। ये क्या पहुंचे उत्तराखंड वाले, अंग्रेज जी हेलो हेलो अंग्रेज जी एक काम करो अपना जो हमारा उत्तराखंड बना लो। अरे महान मूर्ति, पहले संविधान बना लेने दा, संविधान बनाने देश के लिए, बाद में बना लिया उत्तराखंड, अब थारे लोग यार हम तो जाने वाले हो रहे, अब जा जी लेने दो दो चार दिन, अब जा क्या उत्तराखंड 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 चिल्ला रखी तो, जी जी अंग्रेज जी सुनो तो जी, जी जी सुनो जी, अजी थोड़ा मामला बहुत गड़बड़ है वहाँ से ना, तो वहाँ पानी है, पानी भी लेने 4-5 किलोमीटर नीचे आना पड़ा ना जी, वहाँ कोई स्कूल है ना कि वहाँ के बच्चे पढ़ते, संसाधन बहुत जी, आपदा बार बार आती रहे, सड़क भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है जी, कुछ कर लो हम अपना एक मुख्यमंत्री अलग ही बना लेंगे, और फिर वहाँ प्रधानमंत्री अलग बनाएंगे, शिक्षा मंत्री भी अलग बना लेंगे, ठीक वहाँ भी नहीं भगत भगा दिया ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, बात आई 1946 की, 1946 के अंदर एक हल्द्वानी सम्मेलन हुआ, अब बदीदत्त पांडे ने यहाँ मांग उठाई 1946 में, ध्यान से सुन लेना आप, जा कहानी देखो कितनी आगे बढ़ेगी। 1940 में क्या हुआ, हल्द्वानी सम्मेलन, क्या हुआ हल्द्वानी सम्मेलन, किसने मांग उठाई यहाँ, बदीदत्त पांडे ने, बदीदत्त पांडे ठीक ठीक, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसे अलग मांग उठाई, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, मैंने कहा अलग अलग क्षेत्र बनाने की। देखो बद्रीदत्त पांडे ने मांग उठाई 1946 में जब हल्द्वानी सम्मेलन हुआ, यहाँ तक समझ लेना, 1946 आएगा भैया, 45 गए 46 आएगा, 46 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में पूरी घोषणा कर दी गई थी भारत को एक भारत अपना खुद का संविधान बना सकते हैं, तो वहाँ तक संभावनाएं बढ़ गई थी भारत आजाद होगा, तय हो गए। उत्तराखंड वाले अपनी नजाकत देख रहे थे, बद्रीदत्त पांडे ने मांग उठाई पहली बार 1946 की हल्द्वानी सम्मेलन, पूछा हुआ पेपर में सवाल, याद रखना बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं। गोविंद वल्लभ पंत ने बता ये मांग उठाई ठीक, लेकिन गोविंद वल्लभ हल्द्वानी सम्मेलन में, जब सम्मेलन चल रहा है हल्द्वानी सम्मेलन चल रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए उत्तराखंड के, बहुत सारे लोग बैठे हुए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए यहाँ सामने, हल्द्वानी हल्द्वानी जानते हो ना नैनीताल के अंदर हल्द्वानी, वहाँ सम्मेलन चल रहा है, मीटिंग चल रही, कुर्सी लगा रखी, यहाँ सामने बैठ कर भाषण दे रहे हैं ठीक। अब बद्रीदत्त पांडे का भाषण देना, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड को कुमाऊं को एक अलग राज्य काट कर बनाना चाहिए, जो मेरे संपर्क में हाथ खड़ा कर ले, बहुत सारे बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया ठीक, पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था नीचे, उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, वगैरह मैं इसके संपर्क में नहीं हूँ मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता उत्तराखंड बना। उसने कहा कारण बताओ, बद्रीदत्त पांडे तो पूछा तुम कारण बताओ तुम क्यों बनाना चाहते हो। उसने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं यार मैं क्यों बनाना चाह रहा, ऐसा सिर में खुजाना स्टार्ट कर दिया बद्रीदत्त पांडे, बात सही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ किसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये जो पूरा एरिया है ना पूरा विकास नहीं हो पा रहा पूरा का पूरा, बड़ी दिक्कत खड़ी होती है, संसाधन नहीं है हमारे यहाँ, भौगोलिक अलग भौगोलिक इकाई है हमारे यहाँ से, अगर अलग भौगोलिक इकाई हो तो तुम राज्य बना दोगे ऐसा काट कर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत बहुत बड़े व्यक्ति थे, पढ़े लिखे वकील भी रहे, बहुत काम करा इन्होंने, समझ बात यार, और ये नरम दिल के व्यक्ति, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बद्रीदत्त पांडे गर्म दिमाग के व्यक्ति, उग्र दिमाग के व्यक्ति बिल्कुल ही, समझने की बात, इन्होंने प्रेम सभा भी बनाई है, गोविंद मतलब प्रेम सभा बना रखी है इन्होंने, प्रेम सभा देखो ऐसी ऐसी सभा बना रहे तो मतलब नरम दिल के तो व्यक्ति होंगे, जो गोविंद मतलब पंत थे उन्होंने नकार दिया, जिससे कारण क्या हुआ, जो जो हल्द्वानी सम्मेलन था वो बिना किसी उद्देश्य के समाप्त हो गया, वहां से आपस में लड़ाई बज रही जमीन में, ये भी खुद ही सहमत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ देखो 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी, मैंने कहा कैबिनेट मिशन आया था उसमें कहा था संविधान सभा बनाई जाएगी, और संविधान सभा में 389 मेंबर थे, और 389 मेंबर देश के कोने कोने से आए थे, उत्तराखंड के भी कुछ लोग जाकर बैठे हुए वहाँ से, और सामने जब अंबेडकर बैठे हुए, दुनिया का विद्वान बैठा हुआ जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, 46 तक आते आते पूरी दुनिया में अंबेडकर को जानते लोग, पूरी दुनिया में क्या ख्याति थी, यानी यहाँ थोड़ा कम वरीयता दी जाती थी उन्हें, यहाँ तो पढ़ाई लिखाई के आधार पर वरीयता मिले लोगों को, 46 में आते आते जाते संविधान सभा में, वहाँ बैठक चलती थी, बैठक चलती थी एक चीज़ पर डिबेट होती थी, उत्तराखंड के लोग भी जाते थे, हर गोविंद पंत भी थे वहाँ से, तो तीन व्यक्ति थे बहुत, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति थे लेकिन तीन व्यक्तियों का नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो हर गोविंद पंत थे, एक महावीर त्यागी थे, एक गोविंद वल्लभ पंत थे। हर गोविंद पंत न वहीं हाथ खड़े करके कहा जी हम ना ये चाहते हैं, हर गोविंद पंत ने कहा वहीं खड़े हाथ खड़े करके, हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड को ना एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में काट दिया जाए, एक अलग संशासन अम्बेडकर सामने,
अब एक ने पूछा बताओ कैसे, अगर हमने इसे एक अलग राज्य बना भी दिया तो तुम क्या करोगे? ये अंबेडकर के बड़े मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान सभा की पूरी बहस पढ़ रखी है मैंने पूरी, समझ नहीं बात, जब मैंने तुम्हें संविधान पढ़ा था तभी बताया था मैंने तुम्हें। अंबेडकर ने पूछा बताओ, सब लोग आते थे अंबेडकर जब ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे संविधान बनाने के लिए, तो लोगों की समस्याएं सुनकर तो ड्राफ्ट तैयार करोगे, लिखोगे संविधान में कौन कौन सी समस्याएं उनकी, उसको कुछ बताओ क्या दिक्कत है। हरगोविंद पन्ना ने कहा जी समस्या ऐसी है ये पूरा का पूरा भौगोलिक और उबड़खाबड़ क्षेत्र, और हम ना ये चाहते हैं कि इसे अलग राज्य के रूप में काट दिया जाए, और हम काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोई डिमांड भी नहीं सुनता। अंबेडकर ना ठीक है, अंबेडकर ने दो बात बताई, उसने कहा देख अगर राज्य हमने मना भी दिया ना तो उसके फायदे भी है नुकसान भी है, अभी नुकसान ज्यादा, अभी देश को हमारे पास संसाधनों की कमी है, ये कहीं नहीं मिलने की बात, संविधान सभा की बहस मिलेगी उसको कोई पढ़ने का नहीं। उसने कहा समस्या हमारे पास यार संसाधन वैसे हमारे पास कम, संसाधन नहीं पैसा भी हमारे पास कम, अभी हम ताजे ताजा आजाद होने वाले हो रहे तो हम ऐसा कैसे कर देंगे, अभी आपको रुकना पड़ेगा कुछ दिनों तक। इतनी देर में बैठे हुए थे उत्तराखंड का दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा, दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा गोविंद वल्लभ पंत, वगैरह मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ जी, मैं भी उत्तराखंड का ही हूँ, समझ नहीं बात यार। उसने कहा एक काम करो अंबेडकर ने कहा दोनों पहले सहमति बनाकर बाहर जाकर, चलो अंबेडकर ने कहा दोनों सहमति बना जाएगा, बाद में जाकर इसमें संविधान में लिखूंगा कि एक उत्तराखंड अलग राज्य बनाना, बात वही दब चुकी, फिर आगे चली बात। तो फिर क्या हुआ 1947 में तो हम आजादी हो गए थे, तो जब आजाद हो गए थे ना तो एक कमेटी बनाई, एक आयोग बनाया गया था, आयोग बनाया गया था इस आधार पर कि बताओ कि राज्य को कैसे बनाना चाहिए, बहुत सारे या जो डिमांड उठ रही थी ना यूपी में तो कट करने उठ रही थी एक राज्य के लिए या देश के कोने कोने में, तो वहां कर्नाटक के लोग कर्नाटक के पास महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर का जो क्षेत्र वहां विदर्भ वाले कह रहे कि महाराष्ट्र को कट कर अलग राज्य बनाओ, वहां हैदराबाद वाले कह रहे नुगारे हम अलग राज्य बनाओ, ये गुजरात वाले जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र वहां कह रहे हम अलग राज्य बनाओ, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब था। सरकार ने सोचा इस टाइम पर जो अंतरिम सरकार 1947 में सोचा सरकार ने क्या करा, उस अंतरिम सरकार बनी तो सरकार ने सोचा एक काम करते हैं एक ना आयोग बना देते हैं और आयोग में बहुत सारे मेंबर रखेंगे, एस के धार, एस के धर भी कहते हैं, एस के धार भी कहते हैं, एस के धर आयोग बनाया गया, और एस के धर आयोग बनाया गया तो उन्होंने सोचा एक काम करेंगे यो आयोग ना देश के जो कोने कोने में डिमांड उठ रही ना इस आयोग के सामने मांग रख दी जाएगी, ध्यान से सुन लो, इस आयोग के सामने जाकर बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तो देश के कोने कोने तो लोग आए, कोने कोने से लोग, कोई यहाँ गुजरात तैर रहा है, कोई महाराष्ट्र तैर रहा है कि राज्य बनाना, कोई यूपी तो जा रहा है सीनू का बघेलखंड बनाना, समझ में आई बात यार, कोई यहाँ यहाँ तभी तो जाएंगे उत्तराखंड तभी है, ये भी अपनी पत्र लेकर गए पूरे का पूरे चार पांच छह पन्नों का डॉक्यूमेंट लेकर गए, कह रहे हैं सबका नंबर आया तुम्हें भी ऐसे धाया आयोग, अब सरकार नहीं सुनने की, सरकार ने तो आयोग बना दिया, अब तुम आए यहाँ से ये अलग क्षेत्र तो ये अलग क्षेत्र ये अलग क्षेत्र ये बैठी हुई कोने में सामने, मैंने पूछा कहाँ था आई, उत्तराखंड था आई, क्या चाहिए उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड नहीं एक अलग राज्य चाहिए, नाम नहीं बताया, नाम बता नहीं मालिक को, भाई राज्य चाहिए राज्य चाहिए राज्य चाहिए, भाई राज्य चाहिए तो नाम तो बता दो उसका, उसे बुलाया भैंस के धारू, मैंने कहा जरा बताओ क्या चाहिए, जी अलग राज्य बनाना था, अलग राज्य बनाना था, नाम बताओ उसका पहले उसने नाम उसको बोल क्या नाम नाम क्या, एक काम करो तुम्हारा नंबर बाद मांगो कल को आना, ये आए ये भैग भैग उत्तराखंड में आई, अरे यार इसका नाम क्या होगा, अब नाम सोचा नहीं, इन्होंने विचार विमर्श करा यहाँ के नेताओं से आएगा, इसे नाम ही नहीं पता, साइड से एक पंडित गुजर रहा था पंडित गंगा दत्त शास्त्री, और शास्त्री के पास एंटीना हो नाम ही पेपर में पूछा गया एंटीना हो, और एंटीना वाले फालतू बोल रही है जय केदारखंड जय मानसखंड जय उत्तराखंड, मंत्री पकड़ लिया इतना बजट पढ़ने मंत्री मैंने अच्छा क्या लास्ट में क्या बोल रहा तेना, अच्छा लास्ट में बोल रहा है पंडित गंगाधर शास्त्री ने क्या बोल रहा है, शास्त्री जी रुको अभी कहा बोले आप, अभी बोले हम जय उत्तराखंड, बस इन्हें पकड़ लिया जय उत्तराखंड, समझ में आ गई बात यार, एंटीना काम करेगा उसका, तो तब वहां से नाम रखा गया कि यहाँ का नाम पहली बार हो रहा है 1948 में, 1947 में तो एस के धार आयोग बना था, बद्रीदत्त पांडे और उनके सहयोगी उनसे एस के धार आयोग से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ का नाम उत्तराखंड होना चाहिए, तो फिर जब एस के धार आयोग आया ना उसने कहा टाइम अप हो चुका है बेटा घर जाओ टाइम अप होने का समझते हो, वापस भेज दिया गया उत्तराखंड नहीं बना, फिर निराशा हाथ लगी इनके, अभी तो 1948 ही आया, चलो ये तो बता तुम कि 2000 में जाकर उत्तराखंड बनागा, इसके बीच बहुत संघर्ष है, 1948 में एस के धार आयोग के सामने प्रस्ताव रखा था नहीं रखा था, पंडित बद्रीदत्त पांडे ने प्रस्ताव रखा था नहीं रखा था, क्या हुआ बाद में जाकर ठुकरा दिया गया, ठीक क्योंकि राज्य का नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे,
ठीक है, पूरा वो फेज 1948 के आसपास का जहां राज्यों के नाम को लेकर बहुत डिबेट चल रही थी, पहली बार ऐसा हो रहा था 1948 में। पेपर में टिक आया ना कि बताओ सबसे पहली बार उत्तराखंड नाम कहां मिलता, तो एक अलग टेक्निकल पक्ष किसके मुख से निकला, उसका नाम पंडित गंगा दत्त शास्त्री, गंगा दत्त शास्त्री चंपावत का रहने वाला था वो, गंगाधर तो शक्तिमान हो जाएगा यार, गंगा दत्त शास्त्री कुछ ऐसे करके, ठीक है देख लेना उसका क्या नाम है। उसके बाद क्या हुआ, अगर पूछे तुमसे बताओ सबसे पहली बार सरकारी कागजों में ये नाम कब आया, 1960 में सरकारी गजट्स में नाम कब आया, 1960 में आया था पहली बार, याद रखनी बात यार, आज कुछ नहीं छोड़ना सारा लिखना है ना, घर जाए काम बहुत हो जाएगा, समझ लो। हाँ सुनूंगा मुझे तुमसे क्या क्या बताया, देखो एस के धारा आयोग बनाया गया 1947 में, बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ मांग रखी, अब बद्रीदत्त पांडे मतलब गजब का आदमी है, 1965 तक परेशान करेगा तुम्हें, 1965 में अंतिम सांस लेगा फिर सरयू नदी में उसकी अस्थियां सलाई जाएगी आराम से, 1965 तक झेल लो सर, ठीक। गोविंद वल्लभ पंत भी कम नहीं है, 1967 तक परेशान करेंगे तुम, 67 या 61 तक परेशान करेंगे, ठीक याद रहेगी बात। 1950 में ना पर्वतीय जन विकास समिति बनाई गई, अच्छा दिल्ली के अंदर ना कुछ ऐसे लोग थे, पता कैसे लोग थे, 1950 आएगा 50 मतलब भारत का संविधान मतलब आजाद हो चुके हैं, 50 आएगा। ये सवाल है जो मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट पूछा हुआ पेपर में, कई बार पूछा हुआ, उत्तराखंड के कुछ व्यक्ति थे दिल्ली में रह रहे होंगे, और दिल्ली में रहना मतलब बड़े बड़े नेताओं के बीच में रहना, और बड़े बड़े नेताओं के बीच में रहना मतलब अगर जितने पर्वतीय क्षेत्र के लोग होंगे उनके लिए उन्होंने बुलाया, उन्होंने मतलब कोई एक दो व्यक्ति बुला लिया और एक कमेटी बना दी, वह कमेटी क्या करेगी, उन्होंने सोचेगी कि कैसे राज्य बनाना या नहीं बनाना। एस के धार आयोग की जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें उत्तराखंड का नाम नहीं आया था, उत्तराखंड राज्य बन ही नहीं पाया था, तो इन्होंने सोचा क्या करो, क्योंकि यहाँ के लोग डिमांड कर रहे जबरदस्त मात्रा में, शांत करने के लिए कमेटी बना दो, लोग शांत हो जाएंगे, सरकार यही तो काम करती है, लोगों का आंदोलन शांत करने की कमेटी बना देती है, बनेगी कमेटी या बनेगी कमेटी, पर्वतीय जन विकास समिति या बनी पर्वतीय जन विकास समिति। अब पर्वतीय जन विकास समिति 1950 में बनी, कई बार पेपर पूछ लिया, पर्वतीय जन विकास समिति, पर्वतीय जन विकास समिति याद रहेगी बात है, क्या बोलते हैं इसे, पर्वतीय जन हिल पीपल डेवलपमेंट कमेटी, हिल पीपल डेवलपमेंट कमेटी इसे बोलते हैं, पर्वतीय जन विकास समिति। इसमें अजीब ही पीस है, इसमें पता क्या करा गया, इसमें कहा गया ठीक पर्वतीय जन विकास समिति में कि जो अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा से लेकर, अच्छा पिथौरागढ़ का नाम सुना है, ये जो पिथौरागढ़ था ना पहले अल्मोड़ा में आया था, 24 फरवरी 1960 के से काट का अलग करा गया था पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ था पूरा का पूरा, ये पूरा अल्मोड़ा में आया था, अल्मोड़ा से लेकर ये पूरा हिमाचल प्रदेश यहाँ तक पर्वतीय जन विकास समिति ने, मैं सारा सुनूंगा क्या क्या बताया, कौन कौन सी समिति ने क्या क्या डिमांड रखी। यहाँ 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति बनाई गई, उसने कहा कि अल्मोड़ा को अल्मोड़ा योग यहाँ तक लेके जहाँ तक का पूरा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश दोनों को एक पर्वतीय राज्य बना दो। उसने क्या खोपड़ी खराब होगी क्या? क्या, क्या 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 बोल रहे तुम, कह रहे हिमाचल प्रदेश इन दोनों को मिला कर, हिमाचल प्रदेश भी तो ऐसा ही है भैंस की आंख, वो का कुछ अलग थोड़ा ही है, उसके यहाँ भी उबड़ खाबड़ क्षेत्र, उसके यहाँ भी संसाधनों की कमी, उसके यहाँ भी स्कूल नहीं है, उसके यहाँ भी यार पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके यहाँ भी बहुत 8 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा, बटर बैग बिस्कुट का पैकेट लेना हो 8 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, बताओ कहाँ जाना, दुकान ही नहीं है वहाँ से, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है वहाँ, क्या करो बताओ, अच्छा फोन तो इस टाइम पर होते नहीं होंगे बिल्कुल भी, कह रहे पूरा का पूरा दुर्गम इलाका, क्या करो बताओ, ये बात ये विरोध किन्ने का होगा, पता किन्ने का होगा, जो मैंने बात बोली भी किन्ने का ही हो गया, गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने कभी चाहे ही नहीं बिल्कुल भी, और मतलब गोविंद वल्लभ पंत ऐसा पीस कैसे पीस, 1946 के बाद फिर मुख्यमंत्री हो यहाँ यूपी का, 46 के बाद फिर मुख्यमंत्री बन गया, अभी मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तराखंड नहीं बना जा रहा बिल्कुल भी, समझ नहीं पाते। अब बद्रीदत्त पांडे गुस्सा आता होगा, नहीं आता होगा उसको, जब संविधानसभा जब विधानसभा से बाहर निकलता होगा, विधानसभा से बाहर निकलता होगा, संविधानसभा से बाहर निकलते होंगे तुरंत गाड़ी भगते होंगे सर, ठीक है नहीं, बाहर मीडिया वाले बात करते होंगे, उससे बुझ जाएगा मूड ना खराब करा मेरा होता नहीं होगा इस तरह करके, जैसे मान लो आज बहस चल रही थी, बहस के बाद फिर बात जाएंगे चाहे ढब्बे पे जाएंगे बैठ के बात करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यार मैंने तो पूरी डिमांड करी बद्रीदत्त पांडे मैंने तो पूरा दमखम लगाया, संविधान सभा वाले मान भी गए थे, केंद्र की सरकार वाले मान भी गए थे, लेकिन ये बीच में जब गोविंद वल्लभ पंत ना मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री पावर मुख्यमंत्री की हो, अरे यार ये बीच में टांग अड़ा जाए आकर दिक्कत यही खड़ी हो जाए बस। चलो ये भी सही है, ठीक पढ़ाई हमेशा अपनी मातृभाषा में समझ में आया तुम, ठीक इसलिए कहा जा विजडम ऑलवेज कम्स मदर टंग, विजडम ऑलवेज कम्स
बुद्धिमता हमेशा मातृभाषा में आती है। चलो अच्छा यहां तक पहुंच गए। हाँ जी चुप। ये सवाल पूछा जाएगा पर्वतीय जन विकास समिति है वह कब बनी थी 1950 में, इसका सन पूछा जा। तुम्हें बता रहा हूँ कौन सा सन पूछा जा, कब सन पूछा, पता लग गया ना। और सबसे पहली बार जो डिमांड उठाई गई थी हल्द्वानी सम्मेलन, हल्द्वानी श्रीनगर सम्मेलन में 1938 में, याद रखनी बात है, श्रीनगर सम्मेलन में 1938 में, पता लग गया श्रीनगर सम्मेलन में याद रहेगी। 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन हुआ था, बदेदत पांडे ने मांग उठाई थी यहाँ से। फिर एस के धार आयोग आया, उसके सामने मांग उठाई थी, उसने भी नकार दिया, हम बदेदत पांडे ने मांग रखी। फिर 1950 में समिति बनी, सारा याद हो रही क्रम वाइज बिल्कुल, अभी सुनूंगा सारा का जी। आपने बताया 1938 में श्रीनगर सम्मेलन हुआ था, श्रीनगर सम्मेलन में विजयलक्ष्मी पंडित और उसकी बहन दोनों आए थे, मैं समझ में आई बात या, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सामने डिमांड रखी थी। ठीक, सबसे पहली बार यही प्रयास हुआ लिखित तौर पर, सबसे पहली बार लिखित तौर पर अगर कहीं कागज जा रहे हैं ना उसके सामने जा रहे कि कुमाऊं को एक अलग राज्य बना दिया जाए पूरा का पूरा 1938 में। 1938 में श्रीनगर सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, याद रहेगी बात या। चलो उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद यहाँ आ जाओ 1950 में पर्वतीय जन विकास समिति बनेगी, तो अल्मोड़ा और अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश दोनों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग चल रही। लेकिन लोग तो विरोध करेंगे, फिर कुछ लोग पक्ष में होंगे कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ ऐसे थे जो बद्रीदत्त पांडे के पक्ष में थे, कुछ ऐसे थे लोग जो गोविंद वल्लभ पंत के पक्ष में थे। डेमोक्रेसी की एक खास बात हो, डेमोक्रेसी में कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, ठीक है, ये खूबसूरती हो, जरूर नहीं है सारे व्यक्ति मोदी के पक्ष में होंगे, कुछ विरोध में भी खड़े होंगे, और तुम्हें कभी भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए जो विरोध में खड़े हुए, समझ में आई बात है। आ जाओ नेक्स्ट, चलो 65 से लेकर 78 तक ये क्या हुआ, यहाँ भी समझ देते हैं जरा। ये सबसे खतरनाक फेज है, सबसे हार्ड यही है बस। 65 से लेकर 78 के बीच में क्या हुआ, बच्चों की समझ में नहीं आता क्या हो रहा, रट्टा मारने पर लगा हुआ, इतनी समितियाँ इतने कॉन्सेप्ट बन जाए याद ही नहीं कर पाता हो, इसका बार बार क्वेश्चन गलत होगा उसका, क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती, टेक्निकल वर्ड में लिखा हुआ बहुत, और मैं आसान तरीके से समझाऊंगा तुम। ये सबसे खतरनाक फेज जो फर्स्ट पेज था पूरा, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए प्रथम प्रयास यहाँ पहली बार स्टार्ट हो रहा है। 1955 में बता क्या हुआ था, कब की बात बता रहा हूँ, 1955 की एक चीज और देख लो क्या होगा, क्या लिखा हुआ, हाँ हो रहा है 1952 में ना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अच्छा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की कहानी याद आई आगे याद, मैंने इसलिए तो लिख दूंगी, छोटा छोटा याद आ जाए मेरे। 1952 में पता क्या हुआ था, 1952 में वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली, अच्छा वीर चंद्र सिंह कहानी की, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहानी सुन लो, पेशावर कांड से संबंधित है। 23 अप्रैल को हुआ था 1930 में पेशावर कांड। अब पेशावर कांड जब हुआ था इन्होंने अपने हथियार डाल देते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खूब तारीफ करी इनकी, वाह तुम ना एक अलग ही सपूत हो, तुम तो गजब के पीस हो। अच्छा उन्होंने कहा यह बात है, महात्मा गांधी ने कह रहे चार वीरचंद, महात्मा गांधी ने कमेंट करा वीरचंद सिंह गढ़वाली, उन्होंने कह रहे चार वीरचंद सिंह गढ़वाली मिल जाते हैं ना मुझे, उत्तर भारत तभी आजाद हो जाता, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट गजब के, तारीफ भर भर कर। अच्छा और इतने तारीफ, सरदार पटेल तारीफ करने पर लगे, मोतीलाल नेहरू तारीफ करने पर लगे हुए, अरे ये तारीफ जब हो रही थी जब उन्होंने अपने हथियार डाल देते, भारतीयों को गोली चलाने से मना कर दिया था, जब लाल कुर्ते आंदोलन हुआ था पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो भाई उत्तराखंड का व्यक्ति है, भारत के लोगों को मानना नहीं चाहता, तो इन्होंने देखो कितना मजबूत, सब तारीफ कर रहे हैं। अब जब तारीफ कर रहे हैं तो सबने बात भी करी होगी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली था, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात करी होगी, अभी जवाहरलाल नेहरू 1950 का, अरे जब बात करी थी 1930 में, ठीक, लोगों ने पूछा उत्तराखंड वालों ने, ये तो उत्तराखंड का व्यक्ति वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, तो उत्तराखंड का पक्ष रखा, उत्तराखंड वालों ने पूछा एक काम करो तुम्हारे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जानने वाले, हाँ जानने वाले तो है, तो एक लोग उत्तराखंड बन जाता, तुम्हारे तो मित्र हैं, ये दिल्ली में थे। अच्छा तो दिल्ली में पता क्या हुआ, इनकी हुई मुलाकात, जब मुलाकात हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की बैठ कर, थोड़ा इन्हें वेट भी करना पड़ा आधा घंटा, उसके बाद जब बैठ कर मुलाकात हुई ना इनकी, सोचा एक काम था, 50 आ गए हो, 50 के बाद चला गया हो, 1952 आएगा, 50 आने का मतलब भारत का संविधान लागू होगा, अब जितना देश में काम होगा ना राज्य बनाया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार बनाया जाएगा, पृथक राज्य कैसे बनाया जाए, मैंने अनुच्छेद 3 पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, ही पता क्या होगा, पहले राष्ट्रपति से अनुसंचार, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वहां की जो विधानसभा होगी वह प्रस्ताव पास करके भेज देगी, वो प्रस्ताव पता किसके पास जाएगा, वो ये बात कहां लिखी हुई, आर्टिकल 3 में लिखी हुई है, ठीक, यह बात आर्टिकल 3 में लिखी हुई, फिर वो आर्टिकल 3 में लिखी हुई बात पहले तो प्रस्ताव पास, पहले प्रस्ताव भेज जाएगा किसके पास, उसके राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो जाएगा विधानसभा में, विधानसभा वाले पास करके ना पता कहां भेजेंगे, विधानसभा वाले पास करके भेजेंगे लोकसभा में, लोकसभा में पास करके राज्यसभा में, राष्ट्रपति साइड करेंगे तब जाएगा उत्तराखंड बनाएगा, ठीक। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली तो सैनिक आदमी, और सैनिक का जो दिमाग हो ना, पहले ही कहा जा, जो सैनिक हो
सही बात है, जो फौजी हो फौजी का दिमाग गोड्डम हो, सही बात है, उन्हें इतनी टेक्निकल चीज थोड़ा समझ में आ जाएगी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मुलाकात हुई ना, तो जो मैंने अनुच्छेद 3 भी बताया तुम, पंडित जवाहरलाल नेहरू सीधा डायरेक्ट वही बताया अनुच्छेद 3 ने, ऐसी ऐसी बात है यार, ये क्या बोल रहा है। अब थोड़ा एकदम थोड़ा संविधान पढ़ लगा कोई विवेचन से गड़बड़ पैदा कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगर बात में बाद में आइए, दोस्ती दाती दोस्ती बाद में, इसमें मेरा एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके साथ काम होता है। तो बीच जनता के बड़े पता क्या कर रहा है, तुम लोग कहना मन ही नहीं रहा, क्यों ड्रामा कर रहा है, कहना बना नहीं रहे, बात करते हो समझ गए ना भाई। वो सैनिक आदमी है तो थोड़ा ही होगा, मुलाकात करी थी इन्होंने तो तब भी नहीं बन पाया। 1953 में अच्छा यह डिमांड भारत में उत्तराखंड से ही आई होगी या देश के कोने कोने से आ रही होगी। आंध्र प्रदेश का नाम सुना है, भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था वो। तो यहां बना एक जस्टिस एक न्यायाधीश थे फजल अली, फजली नहीं फजल अली, जस्टिस फजल अली, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना 1953 में, उसका नाम लिख लेना। मैं बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहा हूं जिसमें नहीं लिखी हुई, लिखनी पड़ेगी तुम। राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे, उसमें एक का नाम था एम पणिकर। एम पणिकर चाहते थे कि उत्तराखंड बन जा और उन्होंने सहमति भी दे दी थी। सरकार इतनी तेज थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, आपस में सहमति बनाई, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग से 1954 की बात एम पणिकर साहब को ही निकाल दिया गया। और जब इसकी रिपोर्ट आई ना तो वहां उत्तराखंड का नाम निशान नहीं आता। जब इसकी रिपोर्ट आई ना राज्य पुनर्गठन आयोग की उसकी, तो उत्तराखंड का हमारा नाम निशान नहीं आता देखो। और ये इनके सामने गए थे कौन, यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन गए थे, पीसी जोशी। पीसी जोशी का नाम पता क्या थे, कॉमरेड कॉमरेड पूरनचंद जोशी, बहुत बड़ा नाम है इनका, याद रखना बात है आगे तक काम आने वाला है, कॉमरेड पूरनचंद पूरनचंद जोशी, ये नाम है इनका, बहुत बड़ा नाम है उत्तराखंड में, बहुत काम करा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड को बनाने के लिए बहुत काम करा, आगे भी बहुत नाम आगा इनका, याद रहेगी बात ये ठीक। जब ये गए इनकी भी डिमांड को खारिज कर दिया गया। इंद्र सिंह न्याय व्यारस में देखो 1955 में पीसी जोशी, हाँ 1955 में मैंने देखा रिपोर्ट आई थी ना 1955 फिर रिपोर्ट आई इसकी राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो वहाँ उत्तराखंड का नामो निशान नहीं आया। जब नामो निशान नहीं आया तो क्या होगा फिर, 1955 के बाद पीसी जोशी एक्टिव हो गए, और एक्टिव भी अच्छे वाले हो गए, ऐसे वैसे नहीं है, सही बात है। जस्टिस फजल अली बंदे में बताया तुम, तो एक्टिव ऐसे हो गए, इनका काम चलने का नहीं यार, कुछ और करना पड़ेगा। कुछ और क्या करना पड़ेगा, आंदोलन, वो भी कैसे, इस स्टेज को मैं पलटना पड़ेगा। 1960 आ चुका हमारा, क्या आ चुका 1960 आ चुका, तो यहाँ पे जो आंदोलन थे ना वे होंगे तेज, और जब आंदोलन तेज हो गए ना तो सरकार के हाथ पैर तो फूलेंगे, समझ बात है, सरकार के हाथ पैर तो फूलेंगे। 1957 आएगा, 1957 वो सन है जिसमें सबसे पहली बार मानवेंद्र शाह थे ना, टिहरी रियासत के राजा थे ठीक, बाद में जाकर सांसद बने, वे वहाँ बैठे थे लोकसभा में, लोकसभा में उन्होंने सबसे पहली बार कहा था भाई मुझे उत्तराखंड राज्य चाहिए अलग, सबसे पहली बार पहले सांसद थे वे 1957 में बोला उन्होंने कि मुझे उत्तराखंड पृथक राज्य चाहिए, याद रहेगी बात है, उन्होंने पहली बार बोला, ध्यान नहीं दिया किसी ने, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, जहाँ तो समझना छतरी के तो यहाँ तो डिमांड तेज होगी, और जब डिमांड तेज होगी ये पूरा एरिया दिख रहा है, यह पूरा एरिया कौन सा इस टाइम किसका शासन है यहाँ इस पूरे एरिया पर, तिब्बत का, तिब्बत था पहले है चाइना का, अब इस टाइम चाइना का शासन है यहाँ, ये तिब्बत वाला इलाका पूरा का पूरा तिब्बत पर कब्जा करा था 1958 और 59 के आसपास, 58-57 के आसपास, पता किसने कब्जा करा था, चाइना ना, किसने, अब हमें इस बात का डर था कहीं चाइना यहीं ना घुस जा, पता चला यहाँ इस पूरे एरिया पर कब्जा कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, जब उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया हमें इस बात का डर था। तो बता पता हमने क्या करा, अभी पहले क्या हुआ करता था, ये जो ध्यान सुनना, ये तो हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी ये हमारा टिहरी है, तो जिसे तुम आज उत्तरकाशी देख रहे हो उत्तरकाशी है था नहीं पहला, ये उत्तरकाशी और जो टिहरी वर्तमान समय का ये पूरा का पूरा एक ही राज्य था, पूरा का पूरा एक ही राज्य था, दिख रहा पूरा का पूरा राज्य नहीं, इसे पूरे का पूरा एक ही क्षेत्र कहेंगे पूरा का पूरा, ये टिहरी पता लग गया। उसके बाद एक ही प्रांत था पूरा का पूरा, ये टिहरी एक ही प्रांत था। उसके बाद बीच वाला दिखा ला पिथौरागढ़ दिखा दे, ये हमारे पास चमोली दिखाई दे रहा तुम, ये दिखाई दे रहा पूरा पौड़ी गढ़वाल, इस पूरे को हम गढ़वाल कहते थे, गढ़वाल कहते थे, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा तुम्हें वाला,
इसे अल्मोड़ा कहते थे, अल्मोड़ा नीचे लगा इलाका दिखा दे रहा, इसे कहते हैं नैनीताल। तो चार प्रांत यहाँ से उस टाइम पर, उत्तराखंड ना जो पूरा उत्तराखंड है पूरा पूरा चार प्रांतों में बटा हुआ था 1960 तक। पहले पहले कितने प्रांतों में? तो जब पता लगा यार ऊपर से कहीं चाइना आक्रमण ना कर दे, तो चाइना आक्रमण करेगा, इनका हेडक्वार्टर यहाँ हुआ करता था, पता लग रहा है ये पूरा एरिया गढ़वाल है, इसका हेडक्वार्टर तो यहाँ श्रीनगर में, और श्रीनगर सारी सेना श्रीनगर में पड़ी रहेगी, और श्रीनगर मतलब सेना को यहाँ तक जाने में दिक्कत तो जाएगी। मान लो कोई आक्रमण कर दिए तो हमारी सेना को यहाँ तक लेकर यहाँ तक जाने में टाइम नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इन्होंने सोचा क्या करो, इसमें से काठकोर जिले बना दो, अभी यूपी है पूरा, हो अभी पूरा यूपी है। इन्होंने सोचा भाई यहाँ हमारे पास यहाँ इसका टीरी होगी, टीरी का हेडक्वार्टर यहाँ मान लो तुम, तो यहाँ जब सेना यहाँ जागी क्योंकि यहाँ आक्रमण कर दो तो इसका मतलब तो पूरा एरिया पर कब्जा कर लगी, पता लग रहा है यहाँ सेना जा रही है, आधे तो इतने एरिया पर कब्जा ही करके बैठ गए हैं। इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ये ऊपर के जो इलाका ना पूरा काट दो, अलग राज्य बना दो, अलग राज्य नहीं अलग चार प्रांत बना दो, चार जिले बना दो, एक अलग कर दो। पहले चार ही जिले थे, कितने जिले थे? चार। इन्होंने सोचा तीन जिले और बना दो, और तीन जिले बनाएंगे, एक तो उत्तरकाशी बनाएगा 24 फरवरी 1960 को सबसे पहली बार। कारण क्या था? कारण ये भी था, ध्यान से सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उससे क्या होगा उत्तराखंड के लोगों में भी शांति पड़ जाएगी, क्योंकि जब अलग जिले बना ना तो उसका एक जिलाधिकारी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें अलग बन जाएगी और लोग खुश भी हो जा अलग जिला बनने से, समझ में आएगी बात यार, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं मिल जा, अब लोगों को बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ने का, उनका मुख्यालय हेडक्वार्टर यहीं होगा, और यहाँ सेना भी डाल दी जाएगी, खतरा भी कम होगा चाइना का। ये उत्तरकाशी बनाया गया एक, उसके बाद चमोली बनाया गया, चमोली बनाया गया ठीक, उसके बाद ये पिथौरागढ़ बनाया गया, पिथौरागढ़। अब पता लग गया तीनों के तीनों क्यों बनाए गए थे 24 फरवरी 1960 को, पता लग गया चाइना का आक्रमण हो रहा था ऊपर, और यहाँ के जो लोग आंदोलन कर रहे थे ना उन्हें भी शांत करा जा सकता था। किसने बनाए पता, किसने बनाए हैं ये बनाए, जो यहाँ की जो स्टेट की सरकार थी, स्टेट की जो सरकार थी ना, स्टेट की यो यो अधिकार केंद्रीय सरकार के पास नहीं होता जिला बनाने का, ये स्टेट की सरकार के पास हो, और ये 1960 चल रहा है, भारत का संविधान लागू हो चुका है। अच्छा भारत का पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा, नहीं पढ़ोगे तो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो जाओगे, चीज़ों को समझना ही पड़ेगा भैया। इस पूरे एरिया पता लग गया ये तीन स्टेट काट दिए गए अलग, एक तो उत्तरकाशी, एक चमोली, एक पिथौरागढ़। कारण इसका हेडक्वार्टर पता कहाँ रखा गया? ये लखनऊ, ये दिक्कत खड़ी होगी, ये स्टेट तो काट दिए गए, इनका हेडक्वार्टर लखनऊ, ये खोपड़ी बात समझ में नहीं आई, ये क्या हो क्या रहा है, मतलब कुछ भी बात बतानी हो इन तीनों का हेडक्वार्टर लखनऊ चले जाओ, जबरदस्ती खुश करने वाली बात होगी ना, तो ये खुश करने वाली बात नहीं आती है, उत्तराखंड के लोगों को खुश करने वाली बात थी, कहती है खुश नहीं फुस, हाँ मुर्गा छाप पटाका, जब वो पटकता नहीं ना तो फुस हो जा, अभी पटकने वाला था वो, समझ गए ना तुम बात, उत्तराखंड की जनता में भड़काव उत्पन्न होने वाला था, उसे खुश कर दिया गया। खुश कैसे कर दिया गया? ये राज्य बनाया गया, लोग भी खुश, अगर अच्छा ये बात है, एक और चुग्घा डाल दिया इनके सामने, उत्तराखंड के लोगों के सामने चुग्घा डालते हो, जानते हो क्या हो, जो कुत्ते के सामने डाल रहा ना इस तरह कर बोला, लेकिन अच्छा नहीं हुआ उत्तराखंड के लोगों के साथ। उत्तराखंड मंडल का गठन किया गया, अब उत्तराखंड मंडल का गठन किया गया, लोगों को लग रहा दिक्कत बन गया उत्तराखंड, उत्तराखंड मंडल का गठन करा गया, और उत्तराखंड मंडल का गठन किया गया था ना, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ था, इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ, उत्तराखंड मंडल का गठन का, उत्तराखंड मंडल का गठन करा गया। अच्छा लोग आपस में जब बैठ कर पता लगा भाई उत्तराखंड में क्या चल रहा है, उत्तराखंड सरकार ने एक उत्तराखंड मंडल बनाया, ये किन्ने बनाया पता, ये यूपी की सरकार थी, यूपी की जो सरकार थी ना इस टाइम पर उसने बनाया, गोविंद वल्लभ पंत है इस टाइम पर दिले शेर, समझ में आई बात यह, उन्होंने क्या करा एक उत्तराखंड मंडल का गठन कर दिया, कब बनाया 1960 में। कई बार पूछा गया उत्तराखंड मंडल का गठन कब हुआ, 1960 में, कब हुआ 1960 में, जब 1960 में उत्तराखंड मंडल का गठन हुआ, ध्यान से सुन लेना पूरी कहानियां, बोर तो नहीं हो रहे आज, पूरा वहीं तक जाना है आजाद करके, उत्तराखंड को आजाद करके जाना, उत्तराखंड तो आजाद हो चुका था, उत्तराखंड को पृथक राज्य बना के जाना, पता लग चुका है हेडक्वार्टर का लखनऊ रख दिया गया, लोगों में पत्रकार जो लोग छाप रहे होंगे नहीं छाप रहे होंगे, वो उत्तराखंड मंडल का गठन हुआ, लोग खुश न्यूज पढ़ पढ़ कर उत्तराखंड बन गया उत्तराखंड, लोग कह रहे उत्तराखंड बन गया दिख ना ना बने नहीं, फिर मुख्यमंत्री कहाँ, मुख्यमंत्री कहाँ, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ, अभी नहीं बना, फिर लोग गांव में बैठ के बात कर रहे हैं ना, यार इक्कर तो बनो उत्तराखंड, और इक्कर बनो उत्तराखंड, इक्कर तो बनो, इक्कर मतलब इक्कर तो बनो राज्य, लगे तो बनो इस तरह तो बनो, बात चली होगी नहीं चली होगी, इक्कर चलती रहा जिक्र, हम यहाँ जब यहाँ क्लास में बैठ कर आरक्षण में बात नहीं करते रहते का, ये आरक्षण छीन लिया, ऐसा है कुछ नहीं, चल तो रहा है ये भी, तो लोग कहेंगे लोग जो हमारे गाँव के पड़ोस के लोगों ने कहा धीरे धीरे तो छीन लें, धीरे धीरे छीन लेंगे, वही वाली बात है नहीं, वही वाली बात, आ जाओ चलो ये भी दिक्कत नहीं है।
अब जो उत्तराखंड मंडल बन गया, अच्छी बात है, कुछ तो हुआ, पहली बार उत्तराखंड में उत्तराखंड मंडल बनना है, ये तो बहुत बड़ी बात है। दिक्कत क्या हुआ, इसमें होगा खर्चा ज्यादा। जब हेडक्वार्टर बनाए लखनऊ में तो वहां अधिकारी बनाए गए, 200-300 कर्मचारी भी रखे गए, वे उत्तराखंड मंडल बनना है, उत्तराखंड के लोग जहां जाकर अपनी समस्याएं भी बताएंगे, खर्चा ज्यादा होने लगा, कई कई करोड़ों का खर्चा आने लगा। यूपी की सरकार ने सोचा मामला गड़बड़ा, यो 60 में बना था, यो 5 साल चलाया, हो 5 साल चला के से बंद कर देगा, ये पड़ा था उत्तराखंड मंडल। झटका लगा उत्तराखंड के लोगों को, गजब का लगा होगा झटका। देखो देख लो कहानियां, 1965 में उत्तराखंड मंडल को समाप्त कर दिया गया। 65 का टाइम है, हम भी बोल नहीं रहे अभी, पता क्यों नहीं बोल रहे। 1962 में ताजा ताजा युद्ध हुआ, इसीलिए थोड़ा शून्यता की स्थिति आगे, शून्यता की स्थिति 1962 में, 1962 में शून्यता की स्थिति आगे। हम हमारी यही खास बात थी उत्तराखंड वालों की, पता क्या खास बात थी, इनके साथ कदम तो कदम मिला के चलते थे। जब तुम दिक्कत खड़ी होगी ना, हम तुम्हारे साथ हो गए, भले ही तुम उत्तराखंड मना कर दो, ठीक। अब इन ये बेचारे लड़ रहे सारे, उनको कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे, अभी हम आंदोलन नहीं कर रहे, तुम बस युद्ध निपटाओ और फिर देखो हमारे आंदोलन कैसे स्टार्ट होंगे। समझ में आई बात है, आगे चलते चलो। 67 में जाओ, ध्यान से, बहुत प्यार के साथ, ये बहुत जटिल पार्ट है, यहां से सवाल फंसते हैं 100%। जो बीच वाली स्लाइड दिखाई दे रही है ना तुम्हें, इससे पक्का सवाल है, पेपर देने जाओगे एक सवाल पक्का है, क्योंकि यह बात तुझे भी पता कितना कंफ्यूजन है यहां से। अभी सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, अभी ध्यान से समझ लेना। 1965 में उत्तराखंड मंडल को समाप्त कर दिया गया, उत्तराखंड मंडल बनाया गया था सरकार के द्वारा, हेडक्वार्टर उसका लखनऊ था, ठीक। आराम आराम तो उत्तराखंड के लोगों को चुग्गा डाले, बाद में जाकर ये चुग्गा भी समाप्त कर दिया गया बेचारों का। 67 में उत्तराखंड के लोगों ने संगठन बनाया, उत्तराखंड के खुद के लोगों ने, इन्होंने सोचा काम चलने का नहीं भाई। 67 आ गया, और 67 का मतलब जानते हो देश की गद्दी पर इस टाइम कौन है, एलीवा, आने वाली वा 67 के बाद, क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी, अकेली भोकाल मचागी वा, आने वाली है। 67 आया, लोगों ने संगठन बनाया, इस संगठन का नाम कई बार पेपर में, ये सन भी पेपर में कई बार, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा देता हूँ। ये संगठन बनाया गया उत्तराखंड के लोगों ने बनाया है, ये जो संगठन बनाया गया पूरा का पूरा उत्तराखंड के लोगों ने, नाम बताने जा रहा हूं, इसका उत्तराखंड के लोगों ने बनाया संगठन पूरा का पूरा, पर्वतीय राज्य परिषद, हिल स्टेट काउंसिल, रामनगर, कहां बनाई गई है, रामनगर में, क्या नाम है, पर्वतीय राज्य परिषद, पता लग गया। ये उत्तराखंड के लोग हैं, हम नहीं मानते भाई, हम ना उत्तराखंड बनाना, साफ बात, 1967 में बना के बैठ के उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, उसे उन्हें भी बुला रहे हिमाचल प्रदेश वालों को, तुम भेजो हमारे साथ, ताकत बढ़ जाएगी हमारी। इधर जो पड़ोस के था ना आसपास के, दूसरे आदि बिहार वालों को बुला रहे हैं, भाई जो थोड़ा थोड़ा पहाड़ी इलाका, उसे अपने साथ शामिल करने को, ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर्वतीय राज्य परिषद, ताकि इनकी शक्ति बढ़ जाए। पता लग गया, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा हुआ कि बताओ पर्वतीय राज्य जो परिषद, उस वह कहाँ बनाई गई थी, रामनगर में, और कब बनाई गई थी, 1967 में, कई बार पेपर में, पता लग गया। अब यहाँ की सरकार थी यूपी की सरकार, यूपी की सरकार ने सोचा लोग मानने के नहीं आगे, यूपी की सरकार जानते हो संयुक्त प्रांत बोलते थे सर, संयुक्त प्रांत की जो सरकार थी यहाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सोचा मानने के नहीं है, सरकार ने पता क्या करा, 1968 में पर्वतीय विकास मंत्रालय बना दिया, पूरा एक मंत्रालय बना दिया। इन्होंने सोचा अब सरकार ने एक मंत्रालय बनाया, एक प्रत्येक मंत्रालय का एक मंत्री हो, और मंत्री सारा पर्वत के बारे में बात करेगा, आए दिन लेक्चर देगा, लोग जाएंगे अपनी समस्या लेकर मंत्रालय में जा सके, इतने तो सीरियस हुए। चलो एक मंत्रालय बनाया, मंत्रालय का एक मंत्री बनाया गया, वो मंत्री भी ऐसा था, ठीक है बस क्या बताऊं उसके बारे में, तुम पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया गया 1968 में, ये भी पर्वतीय पूछा हुआ, पर्वतीय जो विकास मंत्रालय बनाया 1968 में बनाया गया, सरकार इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, जो बनाया पर्वतीय विकास मंत्रालय 1968 में, पता क्यों बनाया गया, ऊपर पर्वतीय राज्य परिषद बन चुकी थी, और यह पर्वतीय राज्य परिषद ना सरकार के सर में दर्दी कर दी, समझ गए, बार बार ही आंदोलन करते, कभी साइकिल उठाकर चल देंगे, कभी स्कूटर उठाकर चल देंगे, कभी पैदल चल देंगे लखनऊ की तरफ, कभी संसद को जाकर वहां घेरेंगे। सरकार ने सोचा क्या करो इन्हें शांत करने के लिए, मंत्रालय बना दो, शांति से बैठ जाएंगे, मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय बनाकर बैठ के 1968 में पर्वतीय विकास मंत्रालय, उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की जनता खुश, ये हमारी जीत हुई, हम जीत गए, उत्तराखंड के लोग जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन जो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, फिर सरकार ने सोचा क्यों ना
ये जो यहाँ के लोग इनमें थोड़े शांति सी आई इसमें, जो 1967 में बननी थी प्रति राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद बननी थी, इसमें थोड़ी सी शांति आई। अभी 1969 में पर्वतीय विकास परिषद थी, इसका निर्माण किया गया पर्वतीय विकास परिषद का। दिक्कत यह थी जो पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया गया था ना, यो ना जितनी भी नीतियाँ बनाई जा रही थी, जितनी भी समस्या आती यहाँ इस टाइम पर विकास ही नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट। ये तो इनसे पूछा जाता तो उत्तराखंड के लोगों को, तुम इतनी बीमारी फैला क्यों रहे? तुम कह रहे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं है, विकास की रास्ते, विकास की मम्मी रास्ते में भटक गई। तुम कह रहे विकास ही नहीं है यहाँ से, देख क्या नहीं हमारे यहाँ रोड कैसे, सड़क नहीं है, खड्डों में सड़क है आधे, तुम कह रहे हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है, तुम कह रहे रास्ता भी नहीं है, बटिया बनाए रखी, बताओ उसको कहाँ गाड़ी लेके चले जा, कल को हमने कार खरीद ली कहाँ को लेके जाएंगे हम, ऐसी ऐसी समस्याएं। तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा था पूरा का पूरा। अच्छा ना बताओ, छोटे राज्य हो जो, सुनो छोटे राज्य हो जो विकास की गारंटी दे, वो अगर हमने एक राज्य को बना दिया छोटा करके काट कर बना दिया, जरूरी थोड़ा है ना वहाँ विकास हो जाएगा। दो साइड उसके, पॉजिटिव साइड भी है निगेटिव साइड भी है उसके। अब देखेंगे उत्तराखंड, क्या उत्तराखंड अपना डेवलपमेंट कर पाया है ही क्या यार? यहाँ से दो ही चीज़ें हैं, नन अटन, पता नहीं तुम, नंटन खनन पर्यटन, तो नंटन इनते चल रहा है क्या? है दो ही चीजें हैं, एक तो नन एक टन, हाँ बस यही हटा दें यहाँ तो बर्बाद हो जाएगा। पर्वतीय विकास परिषद बनाई गई, पर्वतीय विकास परिषद नाम आएगा नहीं विकास, पर्वतीय विकास परिषद बनाई गई। और उसने क्या काम था, नीति का निर्माण करना। ये नीति कैसे बनाई जा, अरे अब जो नीति ऐसे बनाई जाएगी, जो भी तुम नीति बनाओगे ना उसे ध्यान में रखते हो, उसमें डेवलपमेंट दिखा जाना चाहिए। मेरे गांव में अस्पताल खुलना चाहिए, ये पहाड़ी इलाका दुर्गम इलाका ना पूरा का पूरा, एक गांव यहाँ से एक 10 किलोमीटर बाद, एक 5 किलोमीटर बाद अस्पताल भी नहीं है ना स्कूल है, बच्चों का क्या करो, कैसे कहाँ पढ़ाओ, क्या हमें छोड़कर जाओ, उसे पूरे छोड़कर यहाँ जाएंगे, कर नहीं सकते ना। इसलिए जरूरी था कुछ बनाया जा, बना दिया पर्वतीय विकास परिषद। इनने पॉलिसी बनाई, इसके व्यक्ति ऐसे सारे के सारे पियक्कड़ व्यक्ति सारे के सारे, वे सुबह शाम उन्होंने तो अध्यक्ष बनाते हैं जो सुबह शाम बैठ कर दारू पिए थे, मजा नहीं कर रहा हमें। उन्होंने कहा पॉलिसी बनाओ, तो 2-4 अक्षर लिखे पॉलिसी में, सड़क बनवाएंगे, पैक मारा पड़कर सो गए, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। वे त्रिवेंद्र सिंह रावत के भाई थे, सुन लो 1970 आया, 70 आया, 70 आते आते कॉमरेड पूरन चंद जोशी, उसे ये बात समझ में आ चुकी थी, जो देखो यहाँ 67 में रुके हुए थे नहीं, आ चुकी थी मामला चलने का नहीं, जमने का नहीं बात बिल्कुल भी। पॉलिसी ने यहाँ से जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी पैरेलाइज होगी, पैरेलाइज का मतलब उसको अधरंग मारगी, वो विकलांग होगी पॉलिसी जो बनाई गई थी। देखो पीने वाले लोग जब पॉलिसी बनाएंगे तो ये हाल होगा ना ऐसे, हाँ पुलिस कब बनाने, 2 पेज भरे घर बैठकर, बेटा तुम ठीक हो अमेरिका में, बेटा खाना खा लेना, 1 पेज लिखा, पापा पैसे नहीं है, बेटा कोई बात नहीं मैं भी डाल लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 1970 में पूरन चंद जोशी कुमाऊं में, कुमाऊं के अंदर देखो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया पूरन चंद जोशी ने। अब यहां देखो 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद बनी, यह बनाई 1968 में पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, सरकार ने बनाया, उसके बाद 1969 में पर्वतीय विकास परिषद बनाई गई, ये भी सरकार ने बनाई ताकि यहाँ का विकास करा जा सके। उसके बाद लेकिन यहाँ नीति बनाई जाती थी, नीतियाँ फैल हो जाती थी सारी की सारी। 1970 में फिर एक्टिव होंगे वे लोग, कौन जो उत्तराखंड के लोग थे, पीसी जोशी, पूरन चंद जोशी, कॉमरेड पूरन चंद जोशी, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करा। कई बार पेपर में पूछा गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, कुमाऊं ये पूरा कुमाऊं है ना यार, इसे बना दो कुमाऊं, ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करा गया, जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कराया, पहली बार उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। उत्तराखंड का मतलब आज तक ही उत्तराखंड की डिमांड तो कर रहे थे, इन्हें उन्होंने बताया उत्तराखंड बनाया तो दिया, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बनाया भी दिया था, मान लो अच्छे तरीके से, तुम पैसा कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है सबसे बड़ी खास बात यही, तो अपने देश का अपना तुमने एक घर बना लिया, अलग एक घर मतलब तुमने 2 घर बना दिए, तो जो दूसरे घर का उसका खर्चा कैसे चलेगा, यही इसी बात का तो विरोध कर रहा था गोविंद मल्लम पंत, वो गलत नहीं बोल रहा था, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं आती। तो जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया गया था ना 1970 में पीसी जोशी के द्वारा, उसमें सबसे पहली बार पूरा ड्राफ्ट तैयार करके रखा गया, पहली बार
ठीक, फर्स्ट टाइप बार इसे ना अपने उत्तराखंड की नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं, एक टाइप से कह सकते नहीं कह सकते, उत्तराखंड की नेहरू रिपोर्ट है मेरे हिसाब से यार। ठीक, पहली बार ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो नेहरू रिपोर्ट भी तो वही था, भारतीय इतिहास में नेहरू रिपोर्ट भी तो वही काम कर रही है। पहली बार उनके मुंह पर तमाचा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट किसके, अंग्रेजों के मुंह पर तमाचा था, देखो हम संविधान बना सके, तो इसका मतलब ये भारतीय के मुंह पर तमाचा। पीसी जोशी ने मारा कुमाऊं, उसका नाम पता क्या लिखा है, कुमाऊं संकल्प पत्र, कुमाऊं संकल्प पत्र रखा है, उसका नाम रखा था नेहरू रिपोर्ट 1928, इसका नाम रखा कुमाऊं संकल्प पत्र। याद रहेगी ना बात, पढ़ने वाला व्यक्ति एकदम तुरंत समझ जाएगा। पहली बार उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार करा गया, कुमाऊं संकल्प पत्र आया, ये भी कई बार पूछा गया पेपर में, कुमाऊं संकल्प पत्र कौन लेकर आया, पीसी जोशी। कुमाऊं जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किन्ने बनाया, वो भी पीसी जोशी ने 1917 बनाया। क्यों बनाया पता लग गया, पता लग गया। अच्छा, ये कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था ना, इसमें जो लोग जुड़ने स्टार्ट हुए, यहां से युवाओं की भागीदारी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। और जब किसी भी आंदोलन में, किसी भी संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी, युवा हो गर्म दिमाग के व्यक्ति, और जब गर्म दिमाग का व्यक्ति नर्म निर्वाह के व्यक्ति को पसंद करता नहीं, समझ में आई बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तुम्हारी, जैसे तुम वृद्धावस्था में जाओगे, समाज ज्यादा होते चले जाओगे, ठीक, कोई तुम्हारे एक मारा इस टाइप का मिजाज हो जाओ, ठीक। और जो छोटे छोटे हो ना बच्चे, जैसे यार इस काजल ने इसका मार दिया, भाई जी मेरा मैं रही है, ये क्या बदतमीजी, बच्चे पढ़ाई तो जरा जरा सा और क्या है। अजो यहाँ देखो, यहाँ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बन गया 1971 में। देखो अब दिक्कत एक होगी, पता क्या दिक्कत होगी, कुमाऊं विकास परिषद बनाई, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, सब फैल। जब सब फैल हो गए ना, इन्होंने सोचा समस्या कहां, ये सारा रोला है किसका, उन्होंने सोचा ये सारा रोला है किसका, ठीक, ये विकास क्यों नहीं हो पा रहा। यू कह रहे यार हमने पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, वो भी फैल, यार हमने पर्वतीय विकास परिषद बनाई, वो भी फैल, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा वो तो उत्तराखंड के लोगों ने बनाया, सरकार जो भी काम कर रही वो भी फैल। दिक्कत यह या थी यार, एक बात बताओ करे, मैं यहां शीशे में एसी में बैठकर क्या उस व्यक्ति के बारे में सोच लूंगा जो बहुत दूर दरस्त दराज इलाके में बैठा हुआ, जिसके पास बिजली भी नहीं है, जिसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, मैं उसकी पॉलिसी कैसे बना सकूं। मुझे उससे जाकर पूछना होगा, लोकल लोगों की भागीदारी बढ़ानी होगी, पूछना होगा उससे क्या समस्या। इसलिए सरकार ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़, तो गड़बड़ क्या है, स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं आती। सही बात है, स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। गवर्न किसी भी डेमोक्रेसी को अगर तुम धरातल पर उतारना ना, उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, तोड़ कर धरातल पर बिछा देना चाहिए। जब जाकर वो डेमोक्रेसी धरातल पर फैल जाएगी, तब जाकर वो देश सक्सेसफुल होगा। हमारे देश में यही समस्या, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ धरातल पर नहीं पहुंची, अब तक भी नहीं पहुंची। कितने लोग कैसे नहीं पहुंची, मैं कैसे, दो या तीन पार्टी के लोगों में बड़े बड़े नेता बनने, दो तीन पार्टी के लोग बड़े बड़े नेता, तुम मुझे चुनाव क्यों नहीं लड़वा रहे भाई, यह बैठी लड़की से चुनाव क्यों लड़वा रहे, इसे क्यों नहीं बना रहे तुम विधायक, इसे क्यों नहीं बना रहे एमएलए, तो कहां धरातल पर, सोच भी नहीं सकते। तुरंत पर एग्जाम, विधायक का चुनाव मतलब 50 लाख रुपए लगेंगे, सही बात, प्रधान का चुनाव मतलब 10 लाख रुपए लगेंगे, इतनी बुरी हालत है बताओ। गांव में भी कुछ गिने चुने परिवार ही राज कर रहे हैं, अच्छे लोगों को आने का मौका नहीं दे रहे, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं इन्होंने, पता क्या बनाया, ये कई बार पूछा गया पेपर में क्या बनाया गया। फिर इन्होंने सोचा एक वर्ड जोड़ दिया इन्होंने, पता क्या बनाया इन्होंने, जोड़ दिया एक पर्वतीय विकास निगम, निगम अच्छा, निगम मतलब नगर निगम, मतलब निगम निगम मतलब स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना। अच्छा, स्थानीय लोगों को बढ़ावा देना मतलब यार एक काम करो, मैं उत्तराखंड के लोग ने, जो उत्तराखंड की जो महिला है ना यार, ये बहुत अच्छा स्वेटर बनाओ, गर्मियों में जो गर्मियों में काम आओ, सर्दी जो गर्मियों में स्वेटर बनाकर रख देना पहले, वो फिर सर्दियों में काम आओ, दूर दूर तक जाओ, अगर उस स्वेटर को हम बाहर भेज दे, सही बात, कुछ बाजार लगाओ, हाँ, स्थानीय जो लोकल प्रोडक्ट थे उन्हें भी बढ़ावा देना, समझ बात है। जो भी तो अब जा चला रही योजना, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, एक जिला दो उत्पाद, ये पहले से ही चलनी चाहिए थी। जब तो उत्तराखंड आगे बढ़ता हो, मेरी दादी बेचारी वैसे ही मर गई, इतना सुंदर अचार बनाती थी वह, समझ बात है, लेकिन क्या हुआ, उसे मार्केट नहीं मिल पाया ना पूरा का पूरा। अगर उसे मार्केट मिलता, मेरी दादी को मार्केट मिलता, मेरी दादी को मार्केट मिलता इंटरनेशनल मार्केट में, अमेजन पर आज अचार बेचते करोड़ों का मालिक होता मैं यहाँ से, तुम बक बक ना कर रहा होता हमारे सामने यार। खरीदते नहीं, मेरी दादी ऐसा अचार बनाती थी, एक बार तुम खाली आना हो अपनी उंगली चाप जागी, तू ऐसा अचार बनाती थी,
लेकिन अचार बना की प्रक्रिया वो भी बिल्कुल नहीं बताना है, अगर मैं ना बता देना तब तुम कभी अचार दिखाओगे क्योंकि साफ सफाई का तरह ध्यान रखती थी मैं बनागनी करना मेरी रियलिटी बात है। मोदी को भारत स्वच्छ अभियान जब तो चलाना पड़ा है बात इधर देख लो चलो अब इधर मुंह पानी आ रहा था एकदम तुरंत मुझे किरकिरा कर दिया इधर। उसके बाद क्या हुआ देखो दोबारा फिर समझो 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद बनी रामनगर में उत्तराखंड के लोगों ने मनाई 67 में पर्वतीय विकास मंत्रालय बना 68 में ए 68 में क्या बना 68 में 68 में कुछ नहीं बना 68 में बना 1969 में पर्वतीय विकास परिषद बनी याद रखनी उसकी पॉलिसी से उसकी पॉलिसी फैल होगी पॉलिसी पैरेलाइज होगी पॉलिसी पैरेलाइज होगी उसकी। अच्छा 1970 आया पीसी जोशी एक्टिव हो गए कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया उन्होंने 70 में आकर कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बनाकर उन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया कुमाऊं संकल्प पत्र लेकर आए में उन्होंने कहा देखो हमारे पास पूरा का पूरा ड्राफ्ट ऐसा ऐसा करके उत्तराखंड बनाएंगे तुम ऐसा ऐसा उत्तराखंड चलाएंगे घबराने की जरूरत नहीं है ठीक कह रहे देखो जो काम नेहरू ने करा था ना वहां से मैं नया उत्तराखंड में कर रहे तुम्हारे लिए मौज मारो कह रहे उनकी नेहरू रिपोर्ट थी मेरा कुमाऊं संकल्प पत्र 1971 पर जाओ 1971 पर जाओ पर्वतीय विकास निगम बनाया दिया हमने इसका हेडक्वार्टर हमने नैनीताल रखा है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा बताओ जहाँ पर्वतीय विकास निगम बनाया उसका हेडक्वार्टर बनाया नैनीताल में तो यहाँ के लोग यहाँ तो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा पूरा क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मंत्री बैठेंगे जहाँ बड़े बड़े मंत्री बैठेंगे वहाँ चाय की दुकान भी लगी पूरा बाजार बन जाएगा पूरा का पूरा आना लोगों का जाना लगा रहेगा वहाँ वो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा जहाँ कोई भी राजधानी बनाई जाए ना वो एरिया पूरा का पूरा ऑटोमेटिक डेवलप हो जाए समझ में आई बात है। जैसे मैं हूँ मैं यहाँ रह रहा हूँ ना रह रहा हूँ आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा थोड़े तो डेवलप हुए ठीक है थोड़ी थोड़ी भैंस की अकल थी तुम अब खुद ही देख लो कौन सी अकल आई तुम याद रहेगी बात यार तो इस पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ तो छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ तो पढ़ाना छोड़ रहा हूँ अब मैं जा रहा हूँ यहाँ तो गागा लेडी की तरफ ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ मैं ठीक उस एरिया में कुछ दिन रहूँगा नहीं रहूँगा मैं तो सुन लो तो वो एरिया डेवलप होगा नहीं होगा बिल्कुल इसी तरह जहाँ बड़े बड़े लोग रहेंगे ना ऑटोमेटिक डेवलप हो जाओ ठीक यहाँ देखो हेडक्वार्टर बनाया नैनीताल में हेडक्वार्टर बनाने ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा नहीं अच्छा इधर के लोग नाराज हो जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ नहीं बनो हेडक्वार्टर नैनीताल स्थानीय लोगों को बड़ा पता लग गया आया 1973 कब आया 1973 देखो 67 पर बात रुकी हुई थी 73 में आ गया बेचा 73 देखो अब आया 73 में 73 बहुत बड़ा साल है 1973 बहुत बड़ा साल है उसमें 1973 में देश में बहुत बड़ा केस आया था केशवानंद भारती केस आया था उसे छोड़ दो इस पदों भी 1973 में पृथक राज्य परिषद बनाई गई अभी पृथक राज्य परिषद इसका नाम उत्तरांचल राज्य परिषद भी है ठीक लक्ष्य क्या था अलग राज्य की डिमांड करना इसमें से बनी है जो 1967 में यह परिषद बनाई गई थी ना पर्वतीय राज्य परिषद बनाई थी इसमें से हटाकर इसमें तो तोड़कर क्या बनाई गई पृथक राज्य परिषद नाम रख दिया इसका बदल कर देखिए यहाँ पर्वतीय राज्य परिषद था अब नाम क्या बदल दिया इसका पृथक राज्य परिषद या उत्तरांचल राज्य परिषद इसका सही नाम था पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। अगर पूछे पर्वतीय राज्य परिषद कब बनी 67 में 67 पर्वतीय विकास मंत्रालय कब बना पर्वतीय विकास परिषद कब बनी इसे किन्ने बनाया था पर्वतीय राज्य परिषद को उत्तराखंड के लोगों ने उसके बाद ध्यान से सुन लो पर्वतीय विकास मंत्रालय किन्ने बनाया सरकार ने अच्छा पर्वतीय विकास परिषद किन्ने बनाई ये भी सरकार ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किन्ने बनाया उत्तराखंड के लोगों ने पीसी जोशी ने कुमाऊं संकल्प पत्र किन्ने पारित कराया पीसी जोशी ने 1971 में जो हमारे पास ये पर्वतीय विकास निगम बनाया किन्ने बनाया सरकार ने हेडक्वार्टर कहां रखा इसका नैनीताल में निगम पता लगे क्यों बनाया ताकि स्थानीय लोगों को बढ़ावा दिया जा सके ठीक चलो ये भी सही है 1973 में हमने पृथक राज्य परिषद बनाई इसमें से अलग करके देखो 67 वाली थी ना पर्वतीय राज्य परिषद इसमें अलग करके पृथक राज्य परिषद बनाई है उत्तरांचल राज्य परिषद भी नाम है इसका एक टारगेट था इसका पृथक राज्य प्राप्त करना इसके नेता थे इंद्रमणि बड़ोनी वही व्यक्ति जिन्होंने उत्तराखंड का गांधी कहा जा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखते थे ठीक बहुत अच्छे व्यक्ति थे सुलझे हुए व्यक्ति कह सके ना सही बात है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे किसी बात को रखने का सहजाता मतलब लहजाता का एक प्रकार था सहज तरीके से अपनी बात को रखते थे
1973 में ना उत्तराखंड का एक व्यक्ति और सीएम बन गया, लेकिन यूपी का बन गया। यूपी तो हम सारे अभी यूपी है 1973 में यार। उसका नाम था हेमवंती नंदन बहुगुणा, HNB। एक ही काम करा उन्होंने, HNB यूनिवर्सिटी बनाई थी 1973 में। यार 1973 में सीएम बना था, सीएम बना था तो लोगों को उम्मीद बढ़ गई। जब लोगों की उम्मीद बढ़ गई यार अब तो कुछ करेगा, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने वाला कुछ करा ही नहीं। समझ आई बात? यूपी के सीएम बने 1975 में ना, जो निगम का 75 और 73, 73 में तो ये सीएम बने थे, दो साल सीएम रहे भी हैं। उसके बाद 75 आया, 75 में तो पता क्या हुआ, 75 बात तो ये हुआ, यो ना जो मुख्यालय भी ईरानी नहीं तालता इसका, यो निगम था, देखो कहाँ गया निगम, 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 पर्वतीय विकास निगम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से नैनीताल में, इन्हें नैनीताल था हटाकर ना यहाँ ले आया देहरादून के अंदर। कहाँ से ले आया, देहरादून के अंदर। अब बताओ कुमाऊँ वाले नाराज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बढ़िया करके नाराज हुए, आंदोलन दोबारा फिर शुरू कर दिए। नुरा की अभी हमारी यहाँ इस पूरे एरिया में जहाँ माता यहाँ जाएंगे देहरादून में। हेमवंती नंदन बहुगुणा सीएम बने थे 1973 में, 75 में आकर उन्होंने मुख्यालय बदल दिया। किसका? इसका पर्वतीय विकास निगम का मुख्यालय बदल दिया। मुख्यालय बदल कर देहरादून में ले आए। अभी ठीक ठाक काम कर रहा था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक काम कर रहा था, अभी इतने आंदोलन नहीं हो रहे बिल्कुल भी। तो यहाँ देहरादून में ले आए, यहाँ के लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। बात पता कहाँ पहुँची? बात पहुँची 1986 में। कब पहुँची? 76 में, 76 नहीं 86, 76 में। देखो फिर एनडी तिवारी ना, यहाँ आए एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, ये नारायण दत्त तिवारी है, नारायण दत्त तिवारी आए। इन्होंने पता क्या करा? अरे यार एक बात बताओ करेगी, ये पूरा यूपी था ना, पूरे यूपी में ना 11 मंडल थे। कितने? 11 मंडल थे। अब दिक्कत क्या खड़ी हो रही थी, ये हेडक्वार्टर था ना, जो पिछले वाला मुख्यमंत्री था, नाम क्या बताया मैंने, क्या उसका, हेमंती नंदन बहुगुणा, उत्तराखंड का ही रहने वाला था। लोगों को ज्यादा उम्मीद थी उससे, जब ज्यादा उम्मीद थी तो उसने सोचा यार इस देहरादून मुख्य हेडक्वार्टर उठाकर नैनीताल यहाँ ले आया। जब हेडक्वार्टर उठाकर लेकर जा रहे हैं ना, तो पूरा पूरा जो गवर्नेंस है वो सारा ही ट्रांसफर हो जा, सारा ट्रांसफर हो जा। तो यहाँ के लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर यहाँ नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। नारायण दत्त तिवारी ने पता क्या करा? सीएम पता लग गया ना कहाँ के बने, यूपी के। नारायण दत्त तिवारी ने पूरा यूपी के अंदर 11 मंडल हुआ करते थे उस टाइम पर। कितने? 11। ठीक, वो 11 के 11 मंडलों का एक विकास निगम बना दिया सबका, ताकि लोग नाराज ना हो। तो फिर पता क्या करा? तब से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल बने थे। ये गढ़वाल मंडल कहते हैं ना, कुमाऊं मंडल, तब बने थे। पूरे यूपी 11 मंडल थे, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल हो गया, ऐसा करके। तो ऐसा करके पूरे यूपी 11 मंडलों में बटा हुआ था। तो ऐसा करके तो इन्होंने यूँ कहा, इन्होंने नारायण दत्त तिवारी ने, कि 11 मंडलों का हम एक विकास निगम बना रहे हैं, 11 मंडलों का अलग अलग विकास निगम बना रहे हैं। सहारनपुर जैसे सहारनपुर मंडल, उसका नाम बन गया सहारनपुर मंडल विकास निगम, ऐसा करके। सही बात, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ऐसा करके बनाएंगे हम। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा हुआ 11 मंडलों के विकास निगम 1976 में बनाए गए, 11 के 11। तो उस टाइम पे यहाँ पे दो बने, एक का नाम था गढ़वाल विकास निगम, एक था कुमाऊं विकास निगम। पता लग गया हो? यहाँ तो डिवाइडेशन आया, पता लग गया क्या है? किन्ने बनाए थे? नारायण दत्त तिवारी ने। पता लग गया इस तक क्या होगा? जो उतरा इधर के कुमाऊं के लोग नु कह रहे थे कि हमारा यहाँ हेडक्वार्टर वहाँ से विकास निगम का इधर पहुँचा दिया, तो ये नाराज हो रहे थे ना, इनकी नाराजगी खत्म हो गई। पता लग गया? और गढ़वाल वालों की भी नाराजगी खत्म, कुमाऊं वालों की भी। गढ़वाल विकास निगम भी बनाया गया, कुमाऊं विकास निगम भी बनाया गया। कुमाऊं विकास निगम का मुख्यालय कुमाऊं में चला गया, गढ़वाल विकास निगम का मुख्यालय गढ़वाल में चला गया। अब दोनों के दोनों शांत हो चुके। बात बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बात समझ में आई है? ठीक जी, पढ़ तो लोगे तुम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जैसे ही तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, कम से कम तीन क्लास तो तुमसे, दो तीन क्लास यूट्यूब पर डाल कर ऐसे डाल देना, पृथक राज्य आंदोलन के ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे डाल लोगे, और दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तुम वीडियो के देख कर जाकर, तो वहाँ तुम्हें कुछ नए फैक्ट मिलेंगे। इस मतलब तुम हेडिंग क्लिक कर लोगे खुद, अच्छा यही इंपॉर्टेंट कि यही पूछ रहा, जो मैं कहानी सुना रहा ना या तो जोड़ने के लिए कि कहानी किस तरह चली, चली कहानी किस तरह। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, थोड़ा कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा आगे। बेटा खत्म तो करके रहेंगे आज, चाहे कुछ भी हो जाए। बात यहाँ तक समझ में आई है? आगे चलते हैं। बात चली 1970 में, 1970 में राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चा बनाया जाता, पीसी जोशी ने बनाया था, नहीं बनाया जाता। 1973 में आए थे इंद्र मणि जो बड़ोनी है, ये बड़ा नाम है बहुत, मैंने बताया पहले बता दा तुम। पृथक राज्य, पृथक राज्य, पृथक पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन करा था उन्होंने, नाम मैंने तुम्हें बताया था पृथक राज्य विकास परिषद का। आया 1974, 1974 में लोकसभा में राज्य में मांग उठाई गई, 1974 में लोकसभा में राज्य में मांग उठाई गई थी, लोकसभा में उठाई जा रही है मांग 1974 में।
कब उठाई जा रही, 1970 चलो अग 76 में बना राष्ट्रीय युवा मोर्चा, ना जाने कितनी बार पेपर में यू आ गया भैया। 1976 में राष्ट्रीय युवा मोर्चा, यहाँ इमरजेंसी लग रही इस टाइम देश में, देश में इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई, यहाँ बन गया राष्ट्रीय युवा मोर्चा। हो अच्छा राष्ट्रीय युवा मोर्चा में बन गया ना, अब इन्होंने सोच रहे युवा जहाँ जुड़ गया ना गया हो, याद रखना बात यार, इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई। अब लोग क्या कर रहे, इंदिरा गांधी की सरकार, और इंदिरा गांधी ऐसी जबरदस्त लड़की थी, वो किसी की सुनती नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक उसे किसी ने धोखे तो क्या बताया, कह रहे उन्होंने कहा सर मैडम सरकार जाने वाली है आपकी, देश में आपके खिलाफ बहुत विरोध वो हो रहा है विद्रोह, उसने कुछ है नहीं क्या संविधान में कुछ लिखा हुआ कहीं को, उसने कहा हाँ लिखा हुआ, तो उसने कहा 352 में लिखा हुआ नेशनल इमरजेंसी लगा सक, उसने कहा ठीक है लगा, फिर क्या दिक्कत हो रही, उसने ठेक लगा दी नेशनल इमरजेंसी, फिर क्या हुआ देश में उसके खिलाफ विद्रोह हुए, और विद्रोह हुए सरकार के खिलाफ विद्रोह हुए, हम जो लड़ाई लड़ रहे थे उत्तराखंड वाले, हम भी तो सरकार के खिलाफ ही लड़ रहे थे, तो ये सारे विद्रोह इसके साथ ही, लोग यहाँ तो जाते थे दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकल कर आंदोलन करते थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाते थे, ये उत्तराखंड वाले भी उनके साथी बोले थे आ जाओ भाई, सही बात है, वे कहते थे इंदिरा गांधी हाय हाय, ठीक है नहीं, तो ये उत्तराखंड वाले पता क्या कहते थे, उत्तराखंड वाले कहते थे इंदिरा गांधी जाए जाए, सही बात नहीं कह रहा जाए जाए मतलब जाए दूसरी सरकार आए। क्या हुआ इंदिरा गांधी का इतना विरोध हुआ कि नई पार्टी बनना की थी कि उसका नाम था जनता पार्टी, वीपी सिंह का नाम सुना है, वीपी सिंह जनता पार्टी, तो जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। आज तक एक पार्टी 1952 से चुनाव लड़ रही थी और 1978 में जाकर हारी जनता पार्टी से, इंदिरा गांधी की 100 कुछ सीट आई थी, 125 के 59 के आसपास सीट आई थी, केवल 159 के आसपास सीट इंदिरा गांधी हार गई। उत्तराखंड के लोगों को लगा जब इंदिरा गांधी जो इतने साल तक राज कर रही थी वह हार सक, क्यों ना हम भी एक पार्टी बनावा और खुद की पार्टी बनाएगा, हम भी तो इस तरह जीत सक और यहाँ की सबको यहाँ सबको हरा सक, साहस बढ़ गया इनका, बढ़ गया होगा नहीं साहस, इनका साहस बढ़ गया, और जैसे साहस बढ़ाया ना तो पता क्या हुआ उत्तराखंड में एक पार्टी का गठन हुआ। देखो 78 में देश में नई पार्टी की सरकार आई जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड में पार्टी बनी, उत्तराखंड में पार्टी बनी उस पार्टी का नाम था 1979 में बनी हुआ, 1979 याद रखना बात है, UKD उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जिसने करा दयाकृष्ण पांडे, दयाकृष्ण देवीदत्त पांडे, तो दयाकृष्ण देवीदत्त पांडे याद रखना बात है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन करा 1979 में देवीदत्त पांडे ने, ठीक 1980 में चुनाव होने वाला था विधानसभा का, और जब विधानसभा का चुनाव होगा इन्होंने पार्टी ने अपने विधायक खड़े करे, इन्होंने सोचा 15-20 विधायक जीत जाएंगे तो मौज आ जाएगी, खड़े करे इन्होंने सीट जीती एक, कितनी निराशा हाथ लगी, एक सीट जीते वो भी विधानसभा, एक विधायक बनाया इनका, अब वहां बैठे 425 विधायक, उस टाइम पे 425 के आसपास 400 के आसपास विधायक बैठे, अब 400 विधायकों में एक अकेला बंदा का अचार डाल लगा वहां से, ठीक इतना ये इनको वो जब तक तो उसका नंबर आता है ना सब बोलते बोलते जावते शाम हो जाती, सबसे लास्ट में बैठा कर रखे थे सर उत्तराखंड वाले को जो विधानसभा में लखनऊ में, ठीक जब उसका नंबर आता है ना, मैं कह रहा था उत्तराखंड चलो भाई टाइम पूरा होगा कल आइए समझ गया ना तुम, क्या जुगाड़ चल रहा था उनके साथ में भाई, यूँ करता मैं कह रहा था कि जो उत्तराखंड नहीं बाद में चलो कल को आगा तुम्हारा नंबर, कल को फिर उसका नंबर नहीं आया, उसे बोले नहीं देते, थोड़ा 5-10 मिनट देते बोले नहीं देते, बस बात वहीं दब कर आएगी। इन्होंने सोचा काम चलने का नहीं, आगे चलते हैं 1987 में, देखो UKD बन गई थी 1980 में, सात साल के बाद इतना बड़ा पार्टी बनी है, पार्टी में तो विरोध होगा ही, लोग उसमें भी ऐसे 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 पीस सारे मिले हर जगह मिलेंगे ऐसे ऐसे पीस तुम जो विरोध करेंगे, पार्टी दो भागों में बटकी, टूट गई पार्टी जो UKD थी ना वो पार्टी टूट गई 1987 में, ये प्रश्न पूछा हुआ याद रखना बात यार, 1987 में UKD में विभाजन होगा उत्तराखंड क्रांति दल में, इसकी बागडोर चली गई काशी सिंह एरी के हाथों में, ये काशी सिंह एरी व्यक्ति है अब इसके हाथों में रहेगी इसकी बागडोर, अब ये संभालेगा इस पार्टी को उत्तराखंड क्रांति दल को। 9 सितंबर देखो 87 चल रहा है 87 में पता नहीं लगा 87 में आ गया इस टाइम वो कौन देश का प्रधानमंत्री, राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री है। काशी सिंह एरी क्या कहते हैं, जो कहते हैं देखो सुनो
पता क्या कहते हैं काशी सिंह रे, वे ना अल्टीमेट देते हैं, वे ना साफ साफ कहते हैं मीडिया के सामने, सुनो राजीव गांधी जी मेरा कहना 9 सितंबर को हम उत्तराखंड बंद करेंगे। ये करेंगे करेंगे आप जा क्या करें ना, उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दें 9 सितंबर 1987 को। कई बार पेपर पूछा हुआ उत्तराखंड बंद का आंदोलन कब करा गया था, मतलब आह्वान कब किया गया था, 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड बंद का आयोजन करा गया था। उत्तराखंड बंद का मतलब पता क्या है, कोई भी अपनी दुकान नहीं खोलने का, देश घर तो कोई बाहर नहीं निकलने का, सब कोई भी मंत्री भारत दिखा से पीट देंगे बढ़िया करते फीस। मैं समझ गया ना तुम क्या करना, जैसे भारत बंद हो आजकल की हड़तालों में 1990 में उत्तराखंड के क्रांति दल के द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव रखा, देखो ये प्रस्ताव रखा है उत्तराखंड क्रांति दल के जो थे 1990 में प्रस्ताव रखा जसवंत सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह उत्तराखंड क्रांति दल के थे, उत्तराखंड क्रांति दल के थे, वहाँ विधानसभा में जो लखनऊ में थे विधानसभा, उसमें जाकर बोल ले कि भाई एक काम करो मुझे ना उत्तराखंड राज्य चाहिए, मेरा उत्तराखंड राज्य काट कर अलग बना दो। उन्होंने कह दिया एक काम करो चुपचाप बैठ जाओ शांति के साथ और खम्भा बचा निकल ले, ठीक मतलब कोई देख रेख नहीं है। लेकिन यहाँ मांग तेज होनी स्टार्ट होगी, लोग मान चुके थे कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं यार, देख तो लो 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरिया ने गैरसैंड में राजधानी बनाने की नींव डाल ली कि गैरसैंड को हम राजधानी बनाएंगे। देखो कितने आगे पहुंच चुके हैं, गैरसैंड को राजधानी बनाएंगे। गैरसैंड कहां पड़े, चमोली के अंदर। अब बनी कभी गैरसैंड राजधानी 2020 में आएगा, और उसका नाम बता घोषित कर दिया चंद्रनगर। गैरसैंड का नाम क्या घोषित कर दिया, किसने, काशी सिंह एरिया ने, काशी सिंह एरी। देख रहे उत्तराखंड क्रांति दल में क्या चल रहा है, यहाँ संभावना ज्यादा बढ़ चुकी पूरा। ये 1990 का दौर आ चुका है, 1992 का दौर, 1992 वही दौर, 1991 का वही दौर जब सरकार की स्थिति बहुत खराब थी, इतनी खराब थी 1991 में हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा हमारे पास 7 दिन के लिए पर्याप्त, जो कौन सा पैसा, विदेशी मुद्रा भंडार, कौन सा विदेशी मुद्रा भंडार, वो विदेशी मुद्रा भंडार जिससे हम पेट्रोल डीजल खरीद कर लेकर आते हैं, जिसकी हमारे देश में कमी थी, सारी ट्रेन रुक जाती। इंदिरा गांधी ने देश का सत्यानाश कर दिया था, पता क्या कहती, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत की जो कंपनी को आने का बराबर बढ़ा, साइकिल चलाओ, क्या पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ रही, तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था भाई, हो समझ गए। 1991 तक आते आते हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार हो 13 मिलियन डॉलर तक रहेगा था, जब 13 मिलियन डॉलर तक रहेगा था ना, देश की स्थिति इतनी खराब थी भाई, राज्य बनाओ क्या करो। इस टाइम पर पता क्या हुआ था, इस टाइम पर हुआ था लाल कृष्ण जो अडवाणी थे उनकी राजनीति बड़ी तेज हो रही थी, वे ना आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वे चाह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करी सबसे पहली बार देश में स्टार्ट हुआ ये हिंदू राष्ट्र की। और देश में और पता क्या हो रहा है, मंडल का मंडल की राजनीति हो रही, मंडल का मंडल की राजनीति क्या, ओबीसी को पहली बार आंदोलन की बात यहीं चल रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा, पहली बार यहाँ तो राजनीति तेज हो गया, ओबीसी का आरक्षण नहीं आता यहाँ, 27% आरक्षण यहाँ तो बात चली थी वह, ठीक है। तो देश में इस टाइम बहुत अराजकता की स्थिति फैल रही 1990 के आसपास, 91 तो हालत बहुत डाउन होगी, 92 में आए हम तो 92 में उत्तराखंड में क्या चल रहा है वो बता रहा हूँ तुम्हें, देश की हालत बहुत खराब थी 1991-92 तक, इतनी हालत खराब थी 7-8 दिन और रुक जाते तुम्हारा बट्टा बैठ जाता, आज तक तुम बाहर ना निकल पाते। वो तो भला हो मनमोहन सिंह का, उन ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी नीतियां बनाई, आज तक हमें लाभ दे रही है, जो वर्तमान समय की सरकार 10 साल जो मजा लेकर बता रही है ना जी, मनमोहन सिंह के योगदान को कभी ठुकराया नहीं जा सकता बिल्कुल भी। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का हाथों में शासन होना बहुत जरूरी हो, उसकी पॉलिसी आज बेनिफिट देगी, आने वाले 10 साल बाद तक भी बेनिफिट देगी, 15 साल तक भी। उनने जो पॉलिसी बनाई थी वहाँ से 1991 की जो नई आर्थिक नीति ले गए थे, हमें इकोनॉमिक्स में खूब पढ़ाया है ना तुम्हें, समझ में आई बात यह, ठीक। जो आज वर्तमान समय का जो हाँ बस वो कह सको कुछ कमियां भी थी उसके अंदर, जैसे एग्रीकल्चर को इग्नोर करा गया, आज भी हम एग्रीकल्चर को इग्नोर करते जा रहे पूरी तरह, कृषि पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं, किसान हमारे वैसे ही मर गए आंदोलन करते करते, कोई ध्यान ही नहीं देता उन पर। विधायक अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई, पता क्या न्यूज आई कि विधायकों की इनकम बढ़ेगी, अरे विधायकों की इनकम 4 लाख कर रहे हो, किसानों की इनकम कितनी बढ़ी, विधायकों की इनकम इन्होंने 4 लाख कर दी, सच में वेतन भत्ते बढ़ा दिए उनके, सारी सुविधाएं बढ़ा दी उनकी, मैं कह रहा हूँ उनकी रिड्यूस करो, उनकी कम करो, इनकी स्टूडेंट को दो बेरोजगारी भत्ता, नॉर्वे के अंदर लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती, नहीं तो सरकार रोजगार मुहैया कराओ, बेरोजगारी भत्ता। चले आगे चलते हैं, 21 जुलाई 1992 में काशी सिंह एरिया ने गैरसैंड में राजनीति बनाने की घोषणा कर दी, बीजेपी पार्टी ने इसका सपोर्ट करा क्योंकि बीजेपी पार्टी की सीट कम आ रही थी, ठीक। उन्होंने सोचा एक बढ़िया मौका, हम राज्य की विधानसभा में पहुंच जाएंगे, हमारी पार्टी जीत सका। अब चुनाव होने वाले थे, जब चुनाव होने वाले थे तो सोचा सरकार ना, बीजेपी सरकार ना, बीजेपी अच्छा हर पार्टी जब चुनाव हो तो चुनाव तो पहले कुछ घोषणा कर कि हमारी सरकार आ गई तो हम ये करेंगे, उसे बोल लो घोषणा पत्र, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर, उसे मैनिफेस्टो बोल लेंगे। उस मैनिफेस्टो के अंदर ना उन्होंने साफ कह दिया, बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं आती है बात,
सब आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, इनके लाल कृष्ण अडवाणी ना बड़े मंच पर खड़े होकर सामने अल्मोड़ा के अंदर यह बात पड़ी थी, अगर हमारी सरकार आ गई ना, अगर तुम हमें वोट देते हो और हमारी सरकार आ गई तो हम उत्तराखंड राज्य बना कराएंगे। ठीक, अब उत्तराखंड राज्य बनेगा पता कैसे? अब बनेगा संविधान के अनुसार। अब संविधान के अनुसार कैसे बनेगा? आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। अनुच्छेद 3 के अनुसार कैसे बनेगा? सबसे पहले राष्ट्रपति तो परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति कहाँ भेजेंगे? विधानसभा में भेजेंगे। विधानसभा में कहाँ भेजेंगे? लखनऊ में। लखनऊ में कैसे पास होगा? जब वहां बीजेपी के बहुत सारे सदस्य बैठे होंगे, वे प्रस्ताव पारित करके कहाँ भेजेंगे? लोकसभा में भेजेंगे। लोकसभा पारित करेगी, कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में पारित करके साइन। लेकिन दिक्कत याद है ना, यूपी में सरकार बीजेपी की तो आएगी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, यहां दिक्कत खड़ी होगी। यूपी में तो सरकार आगी, कल्याण सिंह रावत नाम याद कर लो, कल्याण सिंह रावत यूपी के सीएम बन गए। मतलब तुम ना इस पर बहुत अच्छी पिक्चर बनाई जा सके, अगर कोई बनाओ तो। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है पूरी, गजब की, मतलब गजब का इतिहास है इस टाइप यहाँ का। कल्याण सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन पर एक मूवी बनाया बड़े प्यार के साथ। कल्याण सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, बने जब कल्याण सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, इनके सामने दिक्कत पता क्या खड़ी होगी? केंद्र में वहां उनकी सरकार अलग, यहाँ सरकार अलग, जब यहाँ सरकार अलग और वहां सरकार अलग, अब पारित प्रस्ताव पारित हो तो किस तरह पारित हो? कल्याण से कुछ स्थिति देश की ऐसी रही, कल्याण सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा 93 के आसपास ही, 93 के आसपास ही जो कल्याण सिंह रावत को क्या देना पड़ा? ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, अभी तो मैंने तुम कहानी सुनाई है, ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से। समझ में आई बात है? ये तो मैंने जोड़ते हुए सुनाई तुम्हें कहानी पूरी की पूरी है, यहाँ तक पता लग गया जो यहाँ तक क्या हो रहा है पूरा का पूरा। अब 93 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सरकार बदल गई यूपी में, यूपी में सरकार बदल गई। बधाई हो कांग्रेस के लोगों, जो सरकार आई ना वो तुम्हारे पक्ष की सरकार नहीं है, उसका नाम समाजवादी पार्टी की सरकार है, वह साइकिल वाली सरकार है। मुलायम सिंह है, मुलायम कौन सिंह, मुलायम सिंह बोलने का तरीका बता रहा हूँ कैसे बोलते थे, मुलायम 1993 में समाजवादी पार्टी सरकार आई, मुलायम सिंह देश के यूपी के सीएम बन गए, कल्याण सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। पता क्यों दिया था कल्याण सिंह रावत ने इस्तीफा? इसलिए दिया था, अब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी उस टाइम पर, बाबरी मस्जिद को लेकर आंदोलन हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा था उस टाइम पर। ये जो बीजेपी सरकार है ना, बीजेपी सरकार सत्ता में आने के लिए इसने और प्रयास करा कैसे देश को दो भागों में बांटा जा सके। मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, हिंदुओं के लिए बहुत काम करा, इसमें कोई दो राय नहीं है हिंदुओं के लिए। लेकिन डिवाइड एंड रूल करना, ये नेता बहुत हरामी हो। राहुल गांधी के हाथ में आए थे तुमने पहले कभी संविधान देखा? पार्टी कोई सी हो, जब उसने सारे हथकंडे बना लिए ना, कुछ नहीं, सब पल्ला पड़ा उसके। 20 साल तक मेहनत कर रहा है, पता क्या लेकर आया? संविधान बचा ली जान उसने। संविधान तो बहुत लोगों की, गरीब लोगों की आत्मा जुड़ी हुई संविधान तक, गरीब लोगों की जान बसती है संविधान में, सारे अधिकार उनसे ही मिले ना। टूट पड़े राहुल गांधी की तरफ, अभी देख लो इस देश में राज वही करेगा जो संविधान का रक्षक होगा, याद रखना बात आने वाले टाइम पर। पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आ रहे हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में ऐसी। हमारी डेमोक्रेसी भी मैच्योर नहीं हुई भाई साहब, हमारी डेमोक्रेसी जिस दिन मैच्योर होगी ना, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारी बराबर में बैठकर खाना खाएगा, उसकी साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होने की। समझ में आई बात यार? तुम किसी भी मंत्री को देखकर थर थर नहीं कांपने के, किसी मंत्री के लिए रोड खाली नहीं करवा जाने का, ये क्या वीआईपी कल्चर उठा रखा तुम? राज्यपाल जा रहे तो रोड खाली कर दो, एक उप आदमी हो तुम, इससे क्या है डेमोक्रेसी की अभी मैच्योरी नहीं। वो जनता का सेवक है, जनता ने बनाया उसको सीएम, तुम सारे रोड ही खाली करवा दो, स्कूल ही बंद करवा दो। इसलिए कहा इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारी, धीरे धीरे मैच्योर होगी, कोई बात नहीं। चले यहां तक, 1987 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल, 1988 में भाजपा ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन करा। ये कई बार पूछा गया, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, मैंने कहा ना 1988 में अल्मोड़ा के अंदर जे लाल कृष्ण अडवाणी जी आए थे, और अडवाणी जी वही हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया था किसने, लालू प्रसाद यादव ने, बिहार के सीएम, पूरे देश में रथ यात्रा निकाल लेते हैं राम मंदिर को लेकर कि राम मंदिर बनाना चाहिए वहाँ, बाबरी मस्जिद हटाओ वहाँ से, ऐसा करके आंदोलन चला था उनका। नेता है, नेता लोग मतलब नेता, नेता मतलब नेता।
ठीक 1993 में समाजवादी सरकार आई, कल्याण सिंह इस्तीफा दे छोड़ दो, 1994 में जब मुलायम सिंह की सरकार आई, मुलायम सिंह, अब मुलायम सिंह जब आए ना उसने सोचा क्या करा, उत्तराखंड के लोगों को पूछा मुलायम सिंह ने क्या चाहिए तुम बताओ, सारे दिन टाई टाई करते रहते हो तुम। उसने कहा जी बात ऐसी है, उत्तराखंड अलग राज्य चाहिए। उसने कहा उत्तराखंड राज्य मिल जाएगा, चाहो घर जाओ। उसने दो समिति बना दी, कितनी समिति, दो समिति बनाई, एक समिति का नाम है कौशिक समिति और दूसरे का नाम है बड़थवाल समिति, बड़थवाल समिति। तो कितनी समिति बनाई, पता लग गया। अब कौशिक समिति के बारे में समझ लो, सवाल लो कौशिक समिति कब बनी, 4 जनवरी 1994 को कौशिक समिति बनी है। हाँ, किसकी अध्यक्षता में, रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में। हाँ, ये सवाल पूछा जा किसकी अध्यक्षता में समिति बनी, क्यों बनाई गई है, ये अध्ययन करेगी, बतागी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो कैसे बनेगा और कैसे बनेगा और कैसे कैसे संसाधनों को जुटाएंगे, कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे कैसे उसका स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से इसकी जीडीपी में ग्रोथ करेगी, सब बता गई ये कौशिक समिति बनाई। कौशिक समिति ने बता क्या कहा, उन्होंने कहा कि 8 तो जिले बना दो और 3 मंडल बना दो। अभी हमारे यहाँ 2 मंडल और 13 जिले, कौशिक समिति ने कहा था, ये सवाल पूछा पेपर में कि वह कौन सी समिति जिन्होंने कहा था 8 तो जनपद बना दो, 8 जिले बना दो और 3 मंडल बना दो। ठीक, तो वह कौशिक समिति थी, लेकिन समिति समिति है, जरूर थोड़ा है ना समिति की सारी बातें बाध्यकारी होगी, समिति की बात मानो है ना मानो हमारी बात है यार, समझने की बात यार। फिर उसके बाद बनाई बड़तवाल समिति, बड़तवाल समिति, ये तो बनाई थी 4 जनवरी को, ठीक, और ये पता कब बनाई, 21 जून को, ये बनाई थी विनोद बड़तवाल की अध्यक्षता में। पता लग गया कितनी समिति बनी, बताओ, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम, अगली हेडिंग बता दो, यहां क्या बनानी देख लो, इस सेक्शन में तुम अगली हेडिंग क्या बनानी, उसका नाम है अगस्त क्रांति। इंद्रमणि बड़ोनी थे जो, उन्होंने दो, ध्यान से सुन लो, इंद्रमणि बड़ोनी ने अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं, उत्तराखंड में अगस्त क्रांति आ गई, बताओ, अगस्त क्रांति वहां आई थी, वहां पूरे जब उत्तराखंड का पूरे भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, अगस्त क्रांति आ गई 2 अगस्त 1994 की बात है यार। देखो जुलाई जून भी चला गया, जून के बाद क्या आएगा, जुलाई जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त, अगस्त 94 की बात चल रही है, 1994 में इंद्रमणि जो बड़ोनी थे, इंद्रमणि बड़ोनी के द्वारा पता क्या करा गया, इंद्रमणि बड़ोनी के द्वारा अमरण अंतन आंदोलन कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी की तरह आंदोलन करते हैं, उनके उनके यहाँ कोई भी लटले का तदन वगैरह नहीं, इंचा गलत बात छे, इंचा गलत बात, लटले के वापस जाओ, लट लेके वापस भेज देते, मगर हिंसा नहीं चाह रही बिल्कुल मेरे आंदोलन, शांति से बैठो, इतने बड़े इतना बड़ा तो दहाड़ा था उनका, इतना बड़ा डर लगा उनकी तस्वीर भी देखकर डर लगा, ठीक है, हाँ देख ले जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है तेरे लायक कुछ हो देखने में ना, ना चल बस। उसके बाद क्या हुआ, अमर अनशन आंदोलन हुआ, और उन्होंने ना बहुत उत्तराखंड क्रांति दल था, उन्होंने भी इसकी साथ बहुत साथ दिया, उत्तराखंड क्रांति दल और इंद्रमणि बड़ोनी ने दोनों ने मिलकर आंदोलन करे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, हुआ कुछ नहीं, जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, इसके आंदोलन उत्तराखंड में सारे में फैल गए थे, खटीमा में भी हो रहे थे आंदोलन। अब खटी केंद्र बता, यूपी में पता किस टाइम किसकी सरकार है, इस टाइम सरकार मुलायम सिंह यादव की, मुलायम सिंह यादव ऐसे ही बोल रहे थे, मैंने लगा उसका भाषण देखो ना जाएगा, मुलायम सिंह यादव की सरकार है, अजय मुलायम सिंह यादव की सरकार है ना, मुलायम सिंह यादव की सरकार पता कहाँ सी, यूपी के अंदर, यूपी के सीएम है यार में, वे जो ऑर्डर देंगे सबको मानना पड़ेगा, उनकी पुलिस के द्वारा ये जो आंदोलन कर रहे थे लोग खटीमा के अंदर, खटीमा के अंदर आंदोलन कर रहे थे, उसमें तो पता क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक दिया, मजाक नहीं कर, ये प्रसंग किताब नहीं आने का, वो बता रहा हूँ तो जो रिलेटिव बात है, जो वहाँ के आसपास के बूढ़े लोग बताते हैं, ठीक, उनसे जाकर पता करो, सबकी अलग अलग कहानी है, किताबें अलग अलग बताती है, किताबों को छोड़ लिखा हुआ, सबको छोड़ लिखा हुआ, अब बताओ पुलिस वाले पिटेंगे या क्या करेंगे, वहाँ का जो डीएसपी था उसकी खोपड़ी खराब होगी, समझ नहीं पाती है, डीएसपी था उसकी खोपड़ी खराब होगी, उसने कहा गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, 25 लोग मारे गए वहाँ, 25, ये अंग्रेज जनरल रेडर हैं हम,
हम उत्तराखंड के लोग और उत्तराखंड के लोगों से लड़ रहे उनकी पुलिस तक, और हम तो पुलिस किसकी थी, मुलायम सिंह यादव की। अब मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होगा भयंकर वाला, तो ये जो खटीमा का सुन लो, खटीमा के अंदर ही 25 लोग मारे गए ना, सुन लो। 1 अगस्त नहीं 1 सितंबर या कहानी 1 सितंबर की या पूरी डेट पूछी हुई, इसे बोलते हैं खटीमा कांड के नाम से। खटीमा कांड के नाम से जानते हैं, अच्छा सपा की सरकार के द्वारा एक और गलत काम कर दिया गया था, लोग इसलिए भी इकट्ठा हो रहे थे, पता क्यों? जून में 17 जून की बात है, 17 जून को सरकार ने आरक्षण नीति लागू करी थी राज्य के अंदर, और आरक्षण जो नीति लागू करी थी मुलायम सिंह की सरकार ने, उसमें ना ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एससी वालों को 21% आरक्षण मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी वालों को 2% आरक्षण, और जितने पहाड़ के लोग सारे अधिकांश एसटी मावस में, आंदोलन होगा नहीं, भयंकर तरीके का आंदोलन हुआ। खटीमा में भी आंदोलन हुआ, खटीमा में फिर इन्होंने गोली चला दी इस पर, और गोली जो चलाई ना खटीमा के अंदर, अच्छी बात नहीं आया, पता क्यों? कितने सारे लोग मारे गए, एक तो मुटरी का दोस्त भी था उसमें, उसका नाम प्रताप सिंह, मजाक नहीं कर रहा है, हरी सिंह नहीं है, प्रताप सिंह है यार। उधम सिंह नगर की बात है यार, ठीक है, ये पहला पुलिस कांड था, पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं कर रही उत्तराखंड के लोगों के साथ, पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, गलत बात है यार। कितने लोग मारे गए इसमें? 25 के 25 का नाम याद कर लोगे? ए 25 के 25 का नाम याद कर लोगे? जो नाम याद करेगा ना उनको कभी नंबर नहीं आने का, क्योंकि पेपर में पूछे जाने के, तो क्यों याद करने, सिर में दर्द हमारे। बस एक चीज याद करनी, इसमें तो खटीमा कांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994 को। खटीमा कांड हुआ क्यों? ये लोग इतने सारे इकट्ठे हो क्या कर रहे थे? जो आरक्षण नीति लेकर आई थी, जो सपा की सरकार थी, सपा बोलते हैं समाजवादी पार्टी, साइकिल वाली पार्टी, मुलायम सिंह की जो पार्टी थी, ऐसे ही बोलते थे, भाषण देखो उनका जाएगा, मैंने सारे भाषण सुने हैं उनके। उस टाइम की राजनीति बड़ी दिलचस्प, किताब लिखूंगा इस पर, टाइम लगाया गया पूरी, जब भी मुझे टाइम भी लगा ना, मतलब इंटरेस्टिंग इतिहास है यहाँ का पूरा हिस्ट्री। सुन लो, आरक्षण नीति आई थी, आरक्षण नीति के विरोध में तो खटीमा कांड हुआ। अब खटीमा कांड जब हुआ, 25 लोग मारे गए, उत्तराखंड के लोग गुस्सा नहीं होंगे, गुस्सा होंगे, ये 2 सितंबर को फिर आ गए उत्तराखंड के लोग, 2 सितंबर को फिर आ गए मंसूरी के अंदर इकट्ठा हो गए, और मंसूरी में खाई खाई है चारों तरफ। एक कांड और हुआ 2 सितंबर को, पता क्या हुआ? पुलिस ने एक हरकत और कर दी 2 सितंबर को, मंसूरी कांड हुआ, और मंसूरी कांड में फिर लोग मारे गए, ठीक, 7 आंदोलनकारी मारे गए जो आंदोलन कर रहे थे, एक डीएसपी मारा गया, डीएसपी का नाम बताने जा रहा हूँ, उमाशंकर त्रिपाठी, डीएसपी पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी, डीएसपी यार पीसीएस अधिकारी था, वो मारा गया। अब सोच लो, लेकिन उत्तराखंड नहीं मनाने मारे, बिल्कुल गलत बात है ना। 2 महिलाएं मारी गई, 2 महिलाएं, एक का नाम था हंसा धनाई, एक का नाम था बेलमती चौहान, इनका नाम ये सुन लो, हंसा धनाई, एक बेलमती चौहान, इनका नाम लिख लेना नोट्स में। एक बाटा घाटा कांड, ये भी वहीं पढ़ा मंसूरी में, बाटा घाटा कांड, दो आंदोलन बता दिया मैंने, तुम दो कांड हुए अभी तक, एक तो खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर को, 2 सितंबर को मंसूरी कांड हुआ, उसके लगभग 12 दिन बाद 15 तारीख को 15 सितंबर को एक कांड हुआ बाटा घाटा कांड, ये कहाँ हुआ? मंसूरी के अंदर ही, खाई खाई थी चारों तरफ, लोग नीचे मर रहे जाकर यार, कुछ भी कर रहे, मतलब डेट पूछी जाने की और कुछ नहीं पूछा जाने का इनका। उसके बाद सितंबर बीत गया, सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा आगा? इसके बीच में बहुत सारी यात्राएं हो रही थी, इस सारा तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा पता लगेगा, मैंने पूरी कहानी सुना दी तुम्हें, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक। इसके बीच में कोई साइकिल लेकर जा रहा है, कोई बद्रीनाथ लेकर दिल्ली तक स्कूटर की यात्रा निकाल रहा, कोई साइकिल की यात्रा निकाल रहा, लखनऊ तक के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा था, कुछ दिखा है नहीं, आई ठहली है संडे वाले दिन, चलो लखनऊ चल ले, समझ में आई बात, यार मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात है, बहुत मेहनत करी बेचारों ने, लेकिन बनी गाने उत्तराखंड, ठीक। हरिद्वार को अलग मांग, हरिद्वार को सहारनपुर मंडल में मांग रखने की चल रही थी, हम तो धोखे था इधर, उत्तराखंड क्रांति दल वालों का योगदान है, हेलो उत्तराखंड क्रांति दलों का योगदान है, उन्होंने कहा ना, उन्होंने सोचा अगर उत्तराखंड को सर्वाइव करना तो हरिद्वार से माना जरूरी, ऐसा क्यों?
हरिद्वार के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पर्यटन यात्री आते थे, और पर्यटन यात्री क्या करें, पैसा खर्च करके जाएंगे, समझ ही बात है, और वो पैसा सारा फिर उत्तराखंड का नहीं हो जाएगा, ठीक चले जाता ना, तो भूखे मरते उत्तराखंड वाले सारे, भला वो हरिद्वार उत्तराखंड वालों का, हम हरिद्वार वाले पैसा कमा के दे रहे दूंगा। और उत्तराखंड की जीडीपी, उत्तराखंड के जीडीपी में हरिद्वार का बहुत बड़ा योगदान है। फिर क्या हुआ सुन लो, तो उत्तराखंड के, अब सुन लो, उत्तराखंड के कुछ लोग ना दिल्ली जा रहे थे, और दिल्ली जाते जाते हाँ को गए पहले बादराबाद वाले रास्ते, वो ये रास्ता NH-58 बोल रहे थे पहले से, यह बात 95 की है, कब की है, 94 की, 2 अक्टूबर 1994 की बात है, डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1994 की बात है। रामपुर पड़ा एक मुजफ्फरनगर में, राम वहाँ तिराया पड़ा, मैंने देखा आज भी, वो तेरे मामा वहीं के, अच्छा समझ नहीं बात, या तो वहाँ ना रास्ते में जा रहे थे, तो वहाँ लोगों बना जो व्यक्ति जा रहे थे, तो मुलायम सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा वहाँ उनको गोलियां बरसा दी गई, लड़की औरतें बच्चे कुछ नहीं देखा गया। अब लिखते हैं लाइटर ऐसे करके सबको मारा गया, पिटा गया, बहुत प्रताड़ित करा गया, और वहाँ बहुत सारे लोग शहीद हो गए। हम उत्तराखंड की तरफ तो ना शहीद का दर्जा देते हैं, ठीक, समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में कोई सीट नहीं जीत सकती, कारण पता, उत्तराखंड के लिए कुछ कराई नहीं, समझ गए ना। डेट याद रखनी, बस इनको कुछ नहीं याद रखना। फिर पता क्या हुआ, समय इस तरह बीत रहा, 15 अगस्त का दिन आया, 15 अगस्त 1996 का दिन, HD देवगौड़ा ये देश के प्रधानमंत्री बन गए, और देश के प्रधानमंत्री बन गए, सुन लो, अब देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, और इन्होंने लाल किले तो घोषणा कर दी उत्तराखंड बनकर रहेगा, लाल किले तो घोषणा कर रहा प्रधानमंत्री, कितनी बड़ी बात है, वो प्रधानमंत्री, ये सवाल कई बार पूछा गया, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने लाल किले तो घोषणा कर दी कि उत्तराखंड बनकर ही रहेगा, HD देवगौड़ा का पोता ही तो जिसने 3000 महिलाओं को रेप कराया, ये बहुत कमीने लोग हो सारे सारे, समझ गए, ये नेताओं के जो बच्चे ना, इन्होंने हमारा देश बर्बाद कर दिया, नेताओं ने हमारा देश बर्बाद कर दिया। उसके बाद सुनो, 22 दिसंबर 1998 की बात बता रहा हूं मैं, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी, यहां पता क्या हुआ, देश में ना सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक, जब अटल इस टाइम ऐसा दौर चल रहा है, 1998 के बाद सरकार गिर रही आ रही और जा रही, देश के अंदर ही भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार ना यहाँ भी भाजपा की सरकार होगी यूपी में, और वहाँ भी भाजपा की सरकार होगी देश के अंदर भी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जाकर, ठीक। तो पता क्या हुआ, यहाँ एक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करा गया, नाम सुन लो क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करा गया, ठीक, और इसे पारित कर इसे भेज दिया गया लोकसभा में, विधानसभा तक पास करके भेज दिया गया, लोकसभा में नाम रखा उसका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, बाद सन 2000 आ गया भैया, ठीक है, बीच में जो हुआ सन 2000 आ गया, पता कौन सी डेट थी, 27 जुलाई 2000। तुम कौन सी डेट याद रखनी कौन सी नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, ये जो खास डेट है ना, लोकसभा में कब पारित हुआ है विधेयक आयो, अभी कानून नहीं बनाया, बाद में जाकर अधिनियम बन जाएगा, साइन कर देंगे इस पर, जो यूपी की विधानसभा थी यहाँ उसमें उत्तर प्रदेश पुनर्गठक गठन विधेयक सन 2000 पारित कर दिया गया, उसे पारित करके लोकसभा में भेजा गया, लोकसभा में वहाँ पारित होगा, एक फिक्स डेट को पारित हुआ हो, जो फिक्स डेट हो याद रखी जाएगी, वहाँ पेपर में पूछी जा, फिर राज्यसभा में पारित हुआ हो वह डेट भी पूछी जा पेपर पर, फिर राष्ट्रपति साइन करे वह डेट भी पेपर पर पूछी जा, 3 डेट महत्वपूर्ण है, एक तो लोकसभा में कब पारित हुआ, एक राज्यसभा में कब पारित हुआ, एक राष्ट्रपति ने कब साइन करे, पता लग गया, साइन कर दे कानून बन गया, ऐसा करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनकर तैयार हुआ, बोलो स्वाहा, ठीक। अच्छी क्लियरिटी लेगा नहीं, और यही पूरी स्टोरी थी इसकी, यही पूरी स्टोरी, और भी क्लियरिटी लेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ इतना कंसेप्ट क्लियर होगा, उससे पहले कंसेप्ट नहीं क्लियर होने का, मैंने तो सिर्फ कहानी को जोड़कर बताया, जो टेक्निकल पढ़ते पूरा का पूरा, अरे ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा याद होना चाहिए, पूरा सेक्शन नहीं पूरा का पूरा, ऐसा करके पूरी पूरी कहानी दिया, ओके।
बता सकता था मैं, वीडियो लंबा हो जाता और भी मैं बता सकता हूँ, मैं इसको कई घंटे बोल सकता हूँ लगातार, कोई फायदा नहीं होने का। लेकिन फायदा यही होगा कि जो फैक्ट है वो निकाल लो। फैक्ट कैसे निकलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाकर। ऐसा डाल लो यूट्यूब पर रैंडमली जाकर उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन के ऑब्जेक्टिव सवाल, इसे पढ़ने के बावजूद फिर लगाओ, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि दो उसे लिख लो, हटो।